वो करना भूल गया था, इसका फोल्डर अलग करना भूल गया था। ये जो हमारा फाइल अपलोड वाला फोल्डर है ना, इसी में मैंने काम करके पुश भी कर दिया था। तो मेरा ख्याल है आज हम इसका फोल्डर शायद अलग कर लें तो बेहतर है, क्योंकि कल हमने यूआई तो कंप्लीट कर ली थी, इस तरह की यूआई कल हमने बना ली थी, लेकिन वो क्या हुआ अभी वो इसी फाइल के अंदर है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी और पेस्ट ऐसे करता हूँ ताकि इसकी कॉपी तैयार हो जाए, और उसका मैं नाम रखूँगा 12 डॉट चैट। सही है, चैट रख दूँगा इसका नाम। यार ये पता नहीं इतनी देर क्यों लगा रहा है कॉपी होने में। चलो भाई हो गया कंप्लीट। 12 डॉट 1 to 1 चैट। सही है, 1 to 1 चैट हम बना रहे हैं इसके अंदर। अच्छा, इतने को मैंने पहले कमिट कर देना है फोल्डर। ऑर्गेनाइजेशन सही है, फोल्डर को जस्ट मैंने ऑर्गेनाइज किया है, इसमें और कुछ भी नहीं किया। अच्छा, इसको बंद कर देते हैं, ये दोनों जो चल रहा है इसको रोक देते हैं। बाहर आता हूँ मैं, cd 12.1to1chat npm run dev। ठीक है, इसको भी मैं रोक देता हूँ। cd बल्कि इसको मैं केली कर देता हूँ। सही है, npm start। अच्छा, क्योंकि हम इसकी UI कंप्लीट कर चुके थे तो अब हमने बढ़ना है इसके फंक्शनैलिटी की तरफ। ठीक है, अच्छा, फंक्शनैलिटी के लिए मुझे सबसे पहला काम क्या करना होगा? सबसे पहला काम मुझे करना होगा कि मैं डेटाबेस का स्कीमा एक तैयार करूँगा, मतलब जहन में सोचूंगा। वैसे तो स्कीमा नहीं होता कोई MongoDB के अंदर, MongoDB इज़ अ स्कीमा लेस डेटाबेस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे आके मैं कौन सी फाइल में चला जाता हूँ, ये मेरा सर्वर है। इस वक्त तक हम क्या बना चुके हैं ज़रा एक दफ़ा एक गो थ्रू कर लेते हैं सिंपल सा। ये मेरे पास कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट हुई हुई हैं ऊपर। ठीक है, यहाँ पे कुछ डेटाबेस के कलेक्शंस मैंने तैयार किए हुए हैं। ठीक है, यूज़र कलेक्शन वगैरह। ये मेरे पास कुछ राउटर्स हैं। ठीक है, यहाँ से मेरी एक्सप्रेस की ऐप स्टार्ट हो रही है, और ये मेरे पास JWD का मिडलवेयर लगा हुआ है, और इसको क्रॉस करके जो है मेरी ऐप क्या होती है नीचे आती है, और मेरे पास ये पोस्ट राउटर जो है इसी के अंदर सारा का सारा काम इस वक्त हम कर रहे थे। ठीक है, हमने इन APIs को ऑब्वियसली ऑर्गेनाइज करना है, जो कि एक ड्यू है हमारे ऊपर। तो इस पोस्ट के अंदर मैं जाता हूँ तो इस वक्त मेरे पास क्या मौजूद है, पोस्ट को सर्च करने की API, पोस्ट करने की API, तमाम की तमाम पोस्ट को गेट करने की API। ठीक है, मल्टीपल गेट की APIs मेरे पास मौजूद हैं। ठीक है, उसके अलावा मेरे पास गेट प्रोफाइल की जो पोस्ट है वो भी इसी के अंदर मौजूद है, जो कि यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी, इसको मैंने ऑर्गेनाइज़ करना है, ये लॉन्ग ड्यू है हमारे ऊपर। ठीक है, पोस्ट को डिलीट करना। ठीक है, तो ये हर तरह की यहाँ पे मेरे पास API जो है पोस्ट से मुतालिक, और कुछ एक्स्ट्रा APIs भी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसी तरह मुझे क्या करना है, इसी तरह का एक राउटर मुझे और बनाना है, जिसके अंदर मैं क्या करूँगा, जिसके अंदर मैं चैट से मुतालिक जो तमाम APIs है वो लिखूँगा एक्चुअली। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसी फोल्डर की एक कॉपी यहाँ पे बना लेता हूँ, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, chat.mjs कर देता हूँ। ठीक है, chat.mjs कर देता हूँ मैं। अच्छा, अब ऑब्वियसली मुझे इसके अंदर जो ये वाली चीज़ें जो हैं ये मुझे नहीं चाहिए इसमें ना, जो नीचे APIs बनी हुई हैं। ठीक है, ये OpenAI भी यहाँ पे इनिशियलाइज हुआ हुआ है, ये काफ़ी कुछ हुआ हुआ है, तो मैं यहाँ पे जस्ट क्या करता हूँ, ये वाली जो APIs है ना यहाँ पर, ये जो गेट पोस्ट वाली, इन तमाम को उड़ा देता हूँ, और
लाइब्रेरीज जो जो इनिशियलाइज है उनको नहीं छेड़ता मैं, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली मुझे इस फाइल में भी इन लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो मैं यूँ सेलेक्ट करता हूँ तमाम APIs को, ये गेट प्रोफाइल को, इन सबको मैं उड़ा देता हूँ। ठीक है, ये डिलीट की API हो गई, ये मैंने पूरा उड़ा दिया इसको। तो मेरे पास अब क्या मौजूद है, मेरे पास लेट राउटर इक्वल टू एक्सप्रेस राउटर, और यहाँ से ये वापस एक्सपोर्ट हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे मुझे सबसे पहली API क्या चाहिए होगी, राउटर डॉट पोस्ट, और क्या किस चीज़ की API होगी, ये स्लैश भाई, जब मैं कोई मैसेज सेंड करूँगा तो मैं क्या API उसके लिए, कोई मैसेज जब सेंड का बटन दबाता हूँ तो एक API कॉल होगी ना, क्या नाम रखूँ उस API का, स्लैश मैसेज, सही है, और मैसेज मैं पोस्ट कर रहा हूँ। हाँ, यूज़र की ID भी इसमें हम दे सकते हैं, लेकिन API का नाम तो स्लैश मैसेज ही होगा ना, इस पर तो सब एग्री हो ना, इस पर सब एग्री हो। अच्छा, यूज़र की ID वगैरह जो है, मुझे ये मैसेज सेंड कौन कर रहा है वो तो मुझे मिल जाएगा कुकीज़ में से, तो वो मुझे शायद लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, किस बंदे को मैसेज भेजा जा रहा है वो मैं बॉडी में उससे ले लूँगा, वो मैं URL के अंदर नहीं लूँगा, सही है, बॉडी के अंदर ले लूँगा मैं। ठीक है, और टू और फ्रॉम करके मुझे दो पैरामीटर बॉडी के अंदर मिलेंगे, उससे मुझे पता लग जाएगा कि किसको और कौन वो भेज रहा है। सही है, तो ये स्लैश मैसेज करके मेरे पास एक जो है ना API हिट होगी यहाँ पे। अच्छा, इसी तरीके से क्या होगा, गेट मैसेजेस भी होगा, सही है, गेट मैसेजेस भी होगा कि भाई तमाम मैसेजेस को गेट करके वापस लाना है। अच्छा, गेट मैसेजेस में कौन ये मैसेज गेट कर रहा है वो मुझे पता लग जाएगा, किसके मैसेज गेट कर रहा है वो मुझे लेना पड़ेगा यूज़र से। ठीक है, वो या तो मैं बॉडी में लूँगा या तो मैं पैरामीटर में लूँगा, तो ये दो API यहाँ पे 100% होगी। ठीक है, मैसेजेस में हमेशा ये S करके होगा क्योंकि मैसेज एक से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और जो पोस्ट वाला है उसमें एक सिंगल मैसेज होगा, मैसेज होगा वो, सही है। तो इस चीज़ का ये REST API के डिज़ाइन गाइडलाइंस हमने शुरू में पढ़ लिया था, तो ये उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे फॉलो किया। अच्छा, अब मुझे क्या करना होगा, जाहिर है जब ये सबसे पहले तो ये API बनाने लगा हूँ ना मैं, तो जब ये API मैं बनाऊँगा तो मेरे पास जाहिर है सर्वर पर एक कलेक्शन, नई कलेक्शन होगी जिसमें तमाम के तमाम मैसेजेस स्टोर होंगे। ठीक है, तमाम यूज़र्स के तमाम मैसेज एक कलेक्शन होगी जिसके अंदर स्टोर हो रहे होंगे। तो मैं क्या करूँगा, जो डेटाबेस का मेरा क्लाइंट है, डेटाबेस में जो मैं डेटा स्टोर करता था वो किस तरह से करता था, वो मैं यहाँ से कोड जल्दी से छाप लेता हूँ। ये है ना मेरे कोड को करने का तरीका। ओके, वो कहाँ गया मेरा जो वैलिडेशन लगाता था मैं, सबसे ऊपर था वो, नहीं है इसमें वो। यहाँ पे मैं वैलिडेशन लगाता था ना कि पोस्ट जो करने वाला बंदा है वो वेल छोड़ो उसको, ये ट्राई वाला काम तो मैं पहले पकड़ूँ ना यहाँ से। तो ये मैं पोस्ट को करने वाली जो जो तरीका है वो ये है ना, पोस्ट को करने का तरीका। ठीक है, तो एक्चुअली मैं इस तरह से जो है उसको कर रहा हूँगा। अवेट, इसको मैं एसिंक बना देता हूँ। मैंने कहा भाई कलेक्शन डॉट इंसर्ट बना, अब ये कलेक्शन कौन सी कलेक्शन है, ये ऊपर मैं देख लेता हूँ कौन सी कलेक्शन है, ये पोस्ट की कलेक्शन है। तो मुझे यहाँ पे एक नई कलेक्शन ज़ाहिर बनानी पड़ेगी जिसको मैं क्या बोलूँगा कि मैसेज कलेक्शन, पूरा नाम रख लेता हूँ, सिर्फ कलेक्शन जो है ना मुनासिब नहीं था नाम, पता नहीं मैंने क्यों रख दिया, मैसेजेस कलेक्शन। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसका नाम रखूँगा मैसेजेस, सही है, लोगों के मैसेजेस इसके अंदर स्टोर होते हैं, या इसको मैं चैट भी कह सकता था लेकिन फ़िलहाल मैंने इसका नाम मैसेजेस रखा है। अच्छा, कलेक्शन के नाम में हमेशा एस लगता है, ये एक आप समझ लें कि क्या कहते हैं उसको, कन्वेंशन है। ठीक है जी, कि इसके नाम में हमेशा हम एस लगाते हैं। अच्छा, इसी तरीके से अब हम और आगे आ जाते हैं, यहाँ पे मैं आके अब क्या करूँगा, मैसेज कलेक्शन डॉट इंसर्ट वन करूँगा मैं। अच्छा, मैसेज कलेक्शन डॉट इंसर्ट वन जब मैं करूँगा तो मुझे सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए होगी कि ये मैसेज कर कौन रहा है, सही है। तो मैं बोलूँगा कि भाई फ्रॉम, ठीक है, और फ्रॉम के अगेंस्ट मैं करूँगा रिक्वेस्ट डॉट डिकोडेड डॉट ईमेल। ठीक है, ये वाला मैं कर सकता हूँ। अच्छा, या मैं फ्रॉम ईमेल भी ऐसे लिख सकता हूँ,
और फ्रॉम अंडर स्कोर आई डी भी लिख सकता हूँ ऐसे कि जी अंडर स्कोर आई डी, ये दोनों चीज़ें मुझे मिलती हैं बंदे की। डिकोडेड के अंदर अंडर स्कोर ईमेल भी मिलता है और अंडर स्कोर आई डी भी मिलता है। इसी तरीके से जो टू ईमेल और टू अंडर स्कोर आई डी, सही है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी नहीं डिकोडेड, ओके एक्चुअली बॉडी, सही ना बॉडी। मैं मतलब ये यूज़र से पूछूंगा ना मैसेज कर कौन रहा है, वो तो मैंने चलो डिकोडेड से उठा लिया, कुकीज़ में मुझे मिल रहा होता है वो हर वक्त, ठीक है। अच्छा किसी को भी अगर ये समझ नहीं आ रहा कि ये डिकोडेड क्या चीज़ है, तो उसने जे डब्ल्यू टी वाली क्लास मिस की है, तो उसकी रिकॉर्डिंग आई एम नॉट श्योर कि मैंने अभी तक अपलोड की है नहीं, लेकिन कर दी होगी, तो बहुत पुरानी बात हो गई है बाई द वे वो। अच्छा टू ईमेल के किसको मैसेज भेजा जा रहा है, तो ये मैं यूज़र से लूँगा, ठीक है। यूज़र से मुझे क्या क्या लेना है, यहाँ पे मैं एक वैलिडेशन का एक छोटा सा स्कोप भी लगा लेता हूँ। मैं बोलता हूँ कि भाई रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट, ठीक है, टू के किसको भेजा जा रहा है। अच्छा टू के अगेंस्ट मैं क्या लूँगा, इससे मैं बोलूँगा भाई मुझे एक ऑब्जेक्ट आई डी चाहिए होगी, टू के अगेंस्ट मुझे क्या चाहिए होगी, ऑब्जेक्ट आई डी। अच्छा वैसे तो ई मेल से बंदा लॉग इन हुआ हुआ है तो ई मेल इज़ यूनिक, लेकिन हम उस ईमेल को नहीं देख रहे अभी, सही है ना, हम उसको क्या देख रहे हैं, हम उसकी जो यूनिक आईडी है, क्योंकि जब कोई यूज़र मेरे प्लेटफॉर्म पे आके रजिस्टर होता है और वो यूज़र डेटाबेस में जब क्रिएट होता है तो उसकी अंडर स्कोर आईडी मुझे मिल जाती है, ठीक है। लॉगिन करते हुए भी मैं उसी आईडी को फॉलो कर रहा हूँ, तो वो आईडी मेरी प्राइमरी की है जिससे मैं यूज़र को पहचानता हूँ। अच्छा ईमेल को भी मैं कर सकता हूँ अभी के लिए, लेकिन आमतौर पर इस काम के लिए ईमेल को इस्तेमाल नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि ईमेल चेंज भी हो जाता है, ईमेल क्या होता है चेंज भी हो जाता है, ठीक है। और अभी जो नए वाले लॉगिन के प्लेटफॉर्म्स आए ना कुछ, जैसे एप्पल आईडी से लॉगिन जब करता है बंदा तो उसमें ईमेल मिलता ही नहीं है, ईमेल छुपा लेता है वो, और आपको एक ऐसा ईमेल एड्रेस देता है जो रैंडम होता है, वो यूनिक रहता है, ऐसा नहीं कि वो चेंज नहीं होता बार बार, लेकिन आपको वो एक नया ईमेल एड्रेस बना के दे देता है जो सिर्फ एप्पल को पता होता है कि उसने क्या बना के दिया है, ठीक है। मेरा एक्चुअल ईमेल वो शेयर नहीं करता। अच्छा उस ईमेल पे अगर कोई ईमेल भेजे तो वो रिडायरेक्ट करके मुझे भेज भी देता है कि ये आपके पास ईमेल आया फलां प्लेटफॉर्म ने भेजा है। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब एप्पल आईडी से करते हैं तो फेस आईडी वो पकड़ता है और लॉगिन कर देता है आपको, लेकिन मेरी ईमेल नहीं जाती उसके अंदर, हाइड ईमेल हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको ये दिखाऊं स्क्रीन किस तरह की आती है, कर रहे हैं अच्छा देखो, जब हम यहाँ से एप्पल आईडी पे लॉगिन मारते हैं ना, जब हम नहीं नॉट ये दिस, ये आता है इस तरह आता है, ये देख लो, जब वो आजकल आ रहा है ना लॉगिन विद गूगल के साथ, लॉगिन विद एप्पल आईडी भी होता है, तो उसको क्लिक करने से इस तरह की स्क्रीन खुलती है। वो कहता है नेम, इसको मैं हटा सकता हूँ, क्रॉस कर दूंगा, मेरा नेम भी नहीं जाएगा, लेकिन नेम कुछ जगहों पर रिक्वायर्ड होता है तो क्रॉस का ऑप्शन नहीं होता। ईमेल पे मैं चेक देखो हटाया हुआ इसने, और कंटिन्यू का बटन स्टिल अवेलेबल है, कंटिन्यू का बटन ये दबाएगा तो ये हाइड पे चेक लगा के कंटिन्यू दबा सकता है कि मेरी ईमेल हाइड कर दो। तो हाइड करने से क्या होगा कि इस ऐप को ये वाली ईमेल नहीं नज़र आएगी जो यहाँ लिखी हुई है, इस ऐप को एक दूसरी ईमेल एड्रेस भेज देगा ये एप्पल, वो लंबा चौड़ा सा एक बना देगा ऐसी स्ट्रिंग टाइप का होगा। अच्छा फॉरवर्डेड टू इस ईमेल पे, कि अगर उस ईमेल पे किसी ने कोई मेल भेजी तो वो फॉरवर्ड होकर किधर आ जाएगी, इस एक्चुअल ईमेल पे आ जाएगी। लिहाजा ईमेल तो आपको मिलती रहेगी उस प्लेटफॉर्म से, जैसे आपने गूगल ड्राइव पे साइन अप किया या आपने कहीं ड्रॉप बॉक्स पे साइन अप किया, कहीं मीडियम डॉट कॉम पे साइन अप किया, तो आपको ईमेलें तो मिलती रहेंगी वहाँ से जो भेजी जा रही है, लेकिन आपकी एक्चुअल ईमेल नहीं होगी उसके पास। हाँ नहीं, इन्होंने तो चलो एग्जांपल में आई क्लाउड लिखा हुआ है ना, ये तो मैं तो जीमेल यूज़ करता हूँ, मेरे पास जो एप्पल आईडी लॉगिन है वो जीमेल से, लेकिन वो ईमेल छुपा सकता हूँ मैं, ये ऑप्शन आ गया मेरे पास। अच्छा प्लस, ये तो एक रीज़न है, इसके अलावा भी कई रीज़न है मेरे पास जिसके तहत क्या होता है, अब मैं ईमेल को प्राइमरी की नहीं रखता हूँ, क्योंकि एक ही अकाउंट ईमेल से आपने लॉगिन किया, अब आप क्या करते हो, अब आप गूगल से साइन इन मारते हो, साइन इन विद गूगल, तो क्योंकि उसमें सेम ईमेल है तो वो लॉगिन हो जाता है, हालांकि ओरिजिनली आपने ईमेल पासवर्ड से अकाउंट बनाया था, लॉगिन हो जाता है। फिर उसी में आप फेसबुक से जब लॉगिन मारते हो तो वो भी हो जाता है, ठीक है, फेसबुक से लॉगिन मारते हो जाता है, अच्छा वो अकाउंट मर्ज हो जाता है। आप फेसबुक से लॉगिन मारते हो, पूछता है कि भाई इस ईमेल से तो पहले से एक अकाउंट है, कनेक्ट करना चाहोगे, आप कहते हो यस, वो कनेक्ट हो जाता है। तो अब आप ईमेल से लॉगिन करो या फेसबुक से लॉगिन करो, सेम आपको वो मिलता है, ठीक है, सेम अकाउंट खुल रहा होता है आपका।
अच्छा फिर आप क्या कर सकते हो, अंदर से जाके आप ईमेल चेंज भी कर सकते हो। प्रोफाइल में जाते हो, github.com पे जाओ, प्रोफाइल में जाके ईमेल चेंज कर दिया आपने। अच्छा लेकिन ईमेल चेंज होने के बाद भी फेसबुक तो कनेक्ट है, तो फेसबुक से जब खोलोगे तो वही अकाउंट खुलना चाहिए, ठीक है। फ़ोन नंबर से खोलोगे तो वही अकाउंट खुलना चाहिए, ऐसा ही है ना। अच्छा या इमेजिन करो कि इन द फर्स्ट प्लेस किसी बंदे ने ईमेल से लॉगिन ही नहीं किया, डायरेक्ट फेसबुक से लॉगिन कर दिया उसने। फेसबुक पे तो ईमेल नहीं देता फेसबुक, फेसबुक तो देता है यूज़र आईडी, तो फिर मैं उसको कैसे करूँगा, वो तो मेरा मसला ख़राब हो जाएगा। तो लिहाजा ये इतने सारे प्लेटफॉर्म जो आ गए ना, इनकी वजह से मैं बोलता हूँ कि मैं तुम में से किसी को भी प्राइमरी नहीं रखूँगा अपने को, प्राइमरी मैं खुद जनरेट करूँगा अपना, जो तुम सबसे इंडिपेंडेंट होगा। तो एक मेरी प्राइमरी की होगी, बंदा ईमेल से साइन अप हो, फेसबुक से हो, किसी से भी साइन अप हो, एक मैं आईडी जो अंडरस्कोर आईडी जनरेट होती है ना, उसको मैं मानता हूँ कि ये प्राइमरी है, ठीक है। अब यूज़र किसी प्लेटफॉर्म को कनेक्ट करता है, किसी प्लेटफॉर्म को डिसकनेक्ट करता है, ये आईडी अपनी जगह पे रहेगी। अच्छा उसके अलावा सेकंड जो है, जो रिकवरी के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो आमतौर पर फ़ोन नंबर को अब इस्तेमाल करते हैं। पहले रिकवरी के लिए ईमेल को प्राइमरी इस्तेमाल किया जाता था, अब फ़ोन नंबर को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फ़ोन नंबर इस वक्त जो है वो ज़्यादा ऑथेंटिक है। क्योंकि पूरी दुनिया में जब आप फ़ोन नंबर बाय करते हैं ना, तो आपकी किसी ना किसी लेवल की डॉक्यूमेंटेशन लाजमी होती है, हालांकि ईमेल में ऐसा नहीं होता। पहले होता था ईमेल में, अब नहीं होता है ना। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ ना, जीमेल ने आपसे बोला कि यार अपना डॉक्यूमेंट भेजो, आप नहीं बोलता, लिंक्डइन वाले बोल देते हैं ऑन अदर एंड। तो पहले तो जीमेल वाले आपसे पूरा डॉक्यूमेंट लेते थे, अगर याहू पे आप साइन अप करते थे ना, तो आपके घर का एड्रेस, पता नहीं आपके ऑफिस का एड्रेस, आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं, पता नहीं सब पूछते थे वो, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह लेते थे पूरा डॉक्यूमेंट वो प्रॉपर याहू वाले। तो जब जाके जो है ना ईमेल बनती थी, ईमेल बनाना एक बहुत मुश्किल प्रोसेस हुआ करता था। ईमेल बनाने के बाकायदा लोग पैसे लेते थे, चार्ज करते थे भाई, हज़ार हज़ार रुपये में लोग ईमेल बना के देते थे। विंडो करने के 300 देते, ईमेल बनाने के 500-600 लेते थे। ईमेल बनाना एक मुश्किल प्रोसेस हुआ करता था, तो वो सारे डॉक्यूमेंट वगैरह भाई लेते थे ईमेल बनाते हुए, अब कोई भी नहीं लेता ईमेल पे। फ़ोन नंबर पे लेकिन जो है ना, पूरी दुनिया के अंदर किसी ना किसी लेवल की डॉक्यूमेंटेशन होती है। अगर आप इवन अब यूएसए जाएं, किसी भी दूसरे मुल्क जाएं आप विजिटर के तौर पे, तो आप जब सिम खरीदते हैं तो आपके पासपोर्ट का नंबर इशू करता है, पासपोर्ट नंबर पे आपके सिम इशू होती है, और जब आप उस कंट्री को लीव करते हैं तो वो सिम ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है कुछ केसेस में, कुछ केसेस में नहीं भी होती, चलती रहती है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में अगर वो विजिटर सिम है ना, विजिटर सिम होती अलग है, विजिटर सिम बंद हो जाती है खुद ही। वो जैसे ही वो जब देखता है ना पासपोर्ट नंबर, तो वो सिस्टम पे गेट हो जाता है कि कितने अरसे के लिए उसको मिला हुआ है, ये पासपोर्ट पे कितना अरसे का लगा हुआ है। तो कुछ जगहों पे 6 महीने का फिक्स होता है, कुछ जगहों पे 3 महीने का फिक्स होता है, और 3 महीने पर वो सिम खुद ही बंद हो जाती है। तो किसी ना किसी लेवल की डॉक्यूमेंटेशन होती है। तो ये वजह है कि हम आजकल क्या करते हैं, रिकवरी के लिए ना फ़ोन नंबर को हम इस्तेमाल करते हैं, ईमेल पे हम उस पे भी इस्तेमाल नहीं करते ईमेल, सही है। तो लिहाजा हमने क्या सीखा कि जब बंदा हमारे पास साइन अप होगा, प्राइमरी की उस बंदे की जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन है वो मैं खुद जनरेट करूँगा, और वो इन तमाम से इंडिपेंडेंट होगा। नंबर दो, जल्दी से जल्दी मेरी ये कोशिश होगी कि मैं उसका फ़ोन नंबर किसी तरह वेरीफाई कर लूँ, सही है। अगर मैंने फ़ोन नंबर उसका वेरीफाई कर लिया, तो उसका KYC ऑलमोस्ट मैंने कर लिया कंप्लीट, ठीक है। KYC बहुत ज़रूरी होता है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, कौन है वो बंदा जो आपके पास आगे साइन अप हो गया, और वो कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है। अगर कोई सोशल ऐप है तो उसके अंदर वो किसी किस्म का स्कैम चला सकता है सोशल पोस्टिंग में, या किसी किस्म का कोई एंटी स्टेट एजेंडा चला सकता है, ठीक है, कोई एंटी रिलीजियस एजेंडा चला सकता है, जिसका रिस्पॉन्सिबल आपको बाद में ठहराया जाएगा क्योंकि आपका प्लेटफॉर्म था। तो मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करता हूँ कि उसका मैं फ़ोन नंबर किसी तरह वेरीफाई कर लूँ, OTP भेज के या कुछ ना कुछ करके, कि हाँ यार ये फ़ोन नंबर इस बंदे के पास है, ताकि कल को जब आपसे गवर्नमेंट या कोई भी स्टेट सवाल करे तो एटलीस्ट आपके पास फ़ोन नंबर हो देने के लिए कि यार ये था उसका ऑथेंटिक फ़ोन नंबर, ये उसने वेरीफाई किया था मेरे प्लेटफॉर्म पे आके। तो इस फ़ोन नंबर के अगेंस्ट कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन होगी, जाओ आप देख लो उसको, हमारी जान छोड़ दो आप, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली इतने करने से जान नहीं छूटती, अगर कोई उल्टा सीन हो जाए तो इतना करने से काम नहीं चलता, आपको फिर बहुत चीज़ें उसको प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, ठीक है। यही वजह है कि हम जो है जो क्लाउड का प्लेटफॉर्म है वो हम गूगल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो हम गूगल से उनको जोड़ देते हैं। हम कहते हैं यार ये रिक्वेस्ट आई थी गूगल पे, गूगल वालों से पूछ लो उस वक्त क्या IP थी, क्या थी, कोई बहुत ही एक्सट्रीम केस अगर हो जाए तो गूगल ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करता है, तो हमारी जान फिर छूट जाती है इस तरह। अच्छा तो हम प्राइमरी की खुद जनरेट करेंगे और फ़ोन नंबर वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे, रिकवरी के लिए फ़ोन नंबर का इस्तेमाल होगा। तो मैंने कहा कि भाई 2_ID ये मैं इससे ले रहा हूँ, ठीक है, कि 2 जिसको भेज रहा है उसकी _ID बता दे। अच्छा और मैंने कह दिया भाई एंड
रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट मैसेज टेक्स्ट, सही है कि जो भी मैसेज भेज रहा है उसका जो टेक्स्ट फॉर्म है वो मुझे दे दे वो, ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई भी मिस हो, यार ये वैलिडेशन मैं पहले कर चुका हूँ कई दफ़ा ना, किधर है वो, हाँ ये है ना, इस तरह से करता था ना मैं, ले आता हूँ इसको मैं यहाँ पे, 403 करा दिया मैंने। मैंने कहा भाई रिक्वायर्ड पैरामीटर मिसिंग है, मुझे आप किस तरह दो, ऐसे करके दो, टू अंडर स्कोर आई डी दो इस तरह, और इस बंदे की जो भी अंडर स्कोर आई डी है वो यहाँ पे ऐसे पकड़ा दो आप लंबी सी, और उसके बाद क्या दे दो आप, मैसेज टेक्स्ट दे दो आप, सही है। ये दो चीज़ आप मुझे दोगे तो ठीक हो जाएगा मसला आपका। अच्छा ये दोनों चीज़ें मेरे पास आ गई, अब मैं डेटाबेस की जो कलेक्शन है मेरी उसके अंदर फ्रॉम ईमेल और ये अंडर स्कोर आई डी, ये दो चीज़ें लिखता हूँ, प्लस मैं क्या लिखता हूँ, टू ईमेल और टू अंडर स्कोर आई डी। अच्छा अब ये टू वाला जो है ना, इसमें मुझे शायद ईमेल की ज़रूरत नहीं है, टू वाले में मुझे क्या ईमेल की ज़रूरत है, ठीक है, मुझे बस टू की अंडर स्कोर आई डी मिल जाए तो सही है। फ्रॉम वाले में भी शायद मुझे ईमेल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास जब ये अंडर स्कोर आई डी है ना, तो कल को मैं इसको क्या कर सकता हूँ, यूज़र के ऑब्जेक्ट के साथ रिप्लेस कर सकता हूँ। अच्छा अब अगेन बात ये है कि क्या मुझे उसको जो यूज़र की जो आई डी है उससे क्या मुझे रिप्लेस करना चाहिए यहाँ पे, यानी पॉपुलेशन वाली अप्रोच करनी चाहिए या डी पॉपुलेशन वाली अप्रोच करनी चाहिए, कौन बताएगा। इस केस में मुझे पॉपुलेशन वाली, यानी ये जो अप्रोच है ये पॉपुलेशन वाली अप्रोच है कि जी अंडर स्कोर आई डी यहाँ पर रखी हुई है, और जब मैं मैसेजेस को गेट करूँगा, ज़ाहिर है मुझे नाम तो चाहिए ना हर मैसेज के साथ, कि इस मैसेज पर नाम लिखा हुआ आएगा ना एक, तो मुझे क्या करना चाहिए। हाँ देखो एक तो ये होगा, इस पर वो भी लगा देता हूँ ना, मैसेज टेक्स्ट, मैसेज टेक्स्ट के अंदर हो गया रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट मैसेज टेक्स्ट, सही है ये हो गया। चलो इसको पूरा कर लेते हैं फिर तुम लोगों से पूछ लेता हूँ मैं, सही है। इमेज यूआरएल, अगर कोई इमेज है तो, इमेज यूआरएल अगर कोई है तो, सही है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट इमेज यू आर एल, अगर ये नहीं होगा तो अनडिफाइन होगा, ये क्रिएट ही नहीं होगा इन द फर्स्ट प्लेस, ठीक है। ऑथर ईमेल की मुझे ज़रूरत नहीं है, ऑथर आई डी की मुझे ज़रूरत नहीं है। अच्छा ये मुझे एक्चुअली कैसे होगा, ये मुझे एक्चुअली इस तरह से देना होता है ना, ये मुझे एक्चुअली इस तरह से देना होता है, अभी मुझे याद आ गया, ये मैं गड़बड़ करने लगा था, सही इसको तो मुझे ऐसे ऑब्जेक्ट आई डी बना के देना होता है ना, ऑब्जेक्ट आई डी इमेज यू आर एल अगर कोई है तो। अच्छा और क्रिएटेड ऑन में मैंने अपना डेट रख लिया, तो ये मेरा स्कीमा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अच्छा अब सवाल ये रह गया ये अगेन कि मुझे क्या ये अप्रोच करनी चाहिए या मुझे डी पॉपुलेशन वाली अप्रोच करनी चाहिए। इस अप्रोच में ये होगा कि जब भी मैं मैसेज को गेट करूँगा तो ये फ्रॉम और ये टू ये दोनों क्या हो जाएगा, ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट से रिप्लेस हो जाएगा, एक्चुअल ऑब्जेक्ट से रिप्लेस हो जाएगा, जो भी इसके अगेंस्ट जो भी यूज़र इस वक्त स्टोर है डेटाबेस में ये उससे रिप्लेस हो जाएगा और मुझे वो पूरा पूरा ऑब्जेक्ट मिलेगा। या मुझे डी पॉपुलेशन लगाना चाहिए कि मैं यहीं पे बंदे का नाम लिख दूं, यहीं पे मैं बंदे का नाम लिख दूं कि फ्रॉम नेम और ऐसे करके जो भी कौन मैसेज भेज रहा है ये डिकोडेड डॉट नेम में मुझे मिलता है ना, क्या मुझे ये करना चाहिए या मुझे ये करना चाहिए, जल्दी से सोच के बताओ। इस पर हमने बड़ी लंबी डिस्कशन की थी यार, भूल नहीं गया तुम लोग सारे, अगर भूल गया तो फिर तो सारा बेकार हो गया। कौन सी अप्रोच करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। हाँ भाई हाँ सही है, तो मैसेज तो मेरे लाखों की तादाद में होंगे, तो लाखों की तादाद में ये एक्स्ट्रा नेम आ रहा होगा हर मैसेज के साथ, तो क्या ये सही है, नेम और एक्चुअली ईमेल भी ना, दो चीज़ें मुझे चाहिए होंगी ना, नेम और ईमेल दिखाता हूँ ना मैं। बिल्कुल, क्योंकि असल इसका जवाब बिल्कुल सही अब आपने दिया कि एक तो ये दो फील्ड एक्स्ट्रा होती है हर मैसेज के साथ, तो अगर मेरे पास 100,000 मैसेजेस हैं तो 200,000 फील्ड मेरे पास एक्स्ट्रा हो गई,
ठीक है, एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ ये है कि जब भी मैं मैसेज करूँगा तो 2 लाख मैसेज है ना, तो हर मैसेज के अगेंस्ट एक एक्स्ट्रा क्वेरी चलेगी, नहीं 2 लाख क्वेरी चलेगी। एक तरफ ये है कि 2 लाख क्वेरी चलेगी, मेरी प्रोसेसिंग पावर, मेरा टाइम ज़ाया होगा। दूसरी तरफ ये कि 2 लाख एक्स्ट्रा कीज़ है, मेरा स्पेस ज़ाया होगा। लेकिन स्पेस जब मैं ज़ाया करूँगा ना, ये वाला स्पेस जो मैं ज़ाया करूँगा, जब मैं ये वाली अप्रोच करूँगा, तो मेरी क्वेरी जल्दी रिस्पॉन्स करेगी, क्योंकि कहीं और कलेक्शन से उसको उठाना नहीं पड़ रहा, तो जल्दी रिस्पॉन्स करेगी। अच्छा, ये डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है ना, ये बहुत कम है। ऐसा नहीं होगा कि मतलब अगर मैं इसको, मतलब अगर 2 लाख जो क्वेरी चल रही है उस पर, ऐसा नहीं होगा कि ये 1 मिनट लगा देगा, वो कुछ कुछ मिली सेकेंड का डिफरेंस होगा इन दोनों क्वेरीज के अंदर, इन दोनों क्वेरीज के अंदर कुछ मिली सेकेंड का डिफरेंस होगा, ये बहुत ही कम होगा। लेकिन डिपेंड करता है, अगर मैसेज अभी मैं कह रहा हूँ 1 लाख मैसेज है, कल को 50 लाख मैसेज होंगे, ठीक है। लेकिन अगेन, अगर 50 लाख मैसेज हैं तो सारे मैं एक साथ तो नहीं गेट करूँगा ना, कभी भी पेजिनेशन करूँगा। हमने लास्ट टाइम देखा था पेजिनेशन किस तरह होती है, तो मैं तो पेजिनेशन करके गेट करूँगा, तो एक वक्त में मैं 10, 15, 20, 50 ही मैसेज उठाऊँगा ना यार। ऐसा तो नहीं होगा कि मैं 1 लाख मैसेज पूरे एक साथ उठा लूँगा, है ना। तो 10 मैसेज मंगवाता हूँ मैं, 10 मैसेज अगर इस तरह से उठ के आते हैं, या इस तरह से पॉपुलेशन लग के और 10 एक्स्ट्रा क्वेरी लग के फिर आते हैं, तो इसमें टाइम का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होगा। आप नेकेड आई से उसको नोट भी नहीं कर सकते, उस टाइम डिफरेंस को आप दो साइड बाई साइड रखें, यू बटन दबाएं, एक एक साथ आपको लगेगा दोनों आए। लेकिन एक्चुअली पीछे जो सीपीयू की जो रिसोर्सेज हैं उसमें डिफरेंस होता है। जब आप इसकी इंस्पेक्शन करते हैं तो तकरीबन कुछ 100 मिली, जैसे अगर एक की रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आ रहा है 200 मिली सेकेंड में, तो दूसरे का 250-300 मिली सेकेंड में आ रहा होगा, ठीक है। तो जब ये, इसको हम बड़े स्केल पर जब देखते हैं ना, मिसाल के तौर पर जब आपके पास 1 लाख यूज़र होता है, तो 1 लाख यूज़र अगर 1-1 सेकंड वेट कर रहा है, तो ये कितना वेट बनता है, और उसकी एक की जगह उसको 1.5 सेकंड वेट करना पड़े, तो कितने हज़ारों घंटे ज़ाया होंगे एक्स्ट्रा। कलेक्टिवली देखा जाए तो तमाम यूज़र के हज़ारों घंटे ज़ाया होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को चलते मैं क्या करता हूँ, ये वाली अप्रोच करता हूँ, ठीक है। और मतलब अगर आप नॉर्मली आप देखें तो कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो बहुत फ़र्क है। हमारे जो CPU के ऊपर ख़ास तौर पर जो एक एक CPU साइकिल है वो इम्पॉर्टेंट होता है, और ख़ास तौर पे उस वक्त जब हमारे सर्वर के ऊपर ये सारा काम हो रहा हो, क्योंकि हमारे सर्वर के ऊपर जैसे 1 लाख यूज़र हैं, तो सारे के सारे एक ही सर्वर पे हिट कर रहे हैं, सारे के सारे वो एक ही सर्वर को हिट कर रहे हैं, तो वो सर्वर बहुत जल्दी ओवरफ्लो हो जाएगा। अगर मैंने 1 बिट एक्स्ट्रा इस्तेमाल किया ना, तो 1 लाख यूज़र आएगा तो 1 लाख बिट एक्स्ट्रा इस्तेमाल हो गई। तो इस वजह से मैं 1-1 बिट का ख्याल रखता हूँ मेरे सर्वर की रिसोर्स के ऊपर, ठीक है, जो कंज्यूमेबल रिसोर्स है। अच्छा, स्टोरेज ऑन अदर एंड जो है, डेटाबेस की स्टोरेज या उसकी स्टोरेज हो, उसका इतना मसला नहीं है, फौरी तौर पे उसका इतना मसला नहीं होता। तो हमने शुरू में ये सीख लिया था जिस दिन हमने ये डिस्कशन की थी, कि जब भी हमारे पास टाइम और स्पेस की बात आएगी तो हमेशा हम टाइम को बचाते हैं, स्पेस को हम कोशिश करते हैं कि ना बचाएं, ठीक है। तो इस केस में भी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम टाइम बचाने वाली अप्रोच को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, स्टिल मैं इसके अंदर ये आईडी अभी भी रखूंगा, ऐसा नहीं होगा कि मैं आईडी को स्टोर करना ही छोड़ दूँ, ठीक है। नाम मैं उठा रहा हूँ, लेकिन हो सकता है मुझे नाम के अलावा कुछ और उठाना पड़ जाए, तो आईडी मेरे पास स्टिल मौजूद होगी। और अगेन, जो क्वेरी लगेगी वो भी इस आईडी के ऊपर लगेगी। मिसाल के तौर पर मैं इस वक्त मैं अपना चैट खोलता हूँ, मैं अपना चैट ओपन करता हूँ, तो मेरे मैसेजेस मुझे दिखने चाहिए ना, तो वो मैं जो मेरे मैं बोलूँगा ना, मेरे सारे मैसेज लाओ उठा के, तो वो मैं आईडी से बोलूँगा, क्योंकि मुझे तो मेरी आईडी पता है इस वक्त, लॉगिन है बंदा, तो लॉगिन में कुकीज़ में पड़ी है आईडी वो वाली, तो उस आईडी से मैं क्वेरी लगाऊंगा। मैं हमेशा इस चीज़ को प्रेफर करता हूँ कि मैं आईडी से क्वेरी लगाऊं। ऐसा क्यों? क्योंकि आईडी पे इंडेक्सिंग हुई भी होती है, ठीक है। आईडी से जो क्वेरी लगती है वो जल्दी लगती है, क्योंकि उस पर इंडेक्सिंग होती है। इंडेक्सिंग क्या होती है, हमने इस पर एक लंबी डिस्कशन की थी, हमने क्या था वो बाइनरी सर्च हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो इंडेक्सिंग जिस पर होती है वो बाइनरी सर्च पर काम करता है, तो वो बड़ा क्विक होता है। तो मैंने ये सिंपल सा एक अपना जो है ना स्कीमा यहाँ पे क्या कर लिया, तैयार कर लिया, जिसमें मैंने कि फ्रॉम और टू करके ये दो बना लिया, कि कौन भेज रहा है मैसेज और किसको भेज रहा है मैसेज। और एक ही कलेक्शन है मेरे पास, मैसेजेस कलेक्शन। इसमें मेरे पास जितने भी लाखों यूज़र होंगे और वो लाखों यूज़र एक दूसरे को मैसेज कर रहे होंगे, वो इसी कलेक्शन में आगे स्टोर होंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें और तो कुछ नहीं करना मुझे,
सही है, मैसेज सेंट इसको मैं बोलूँगा, सही है मैसेज सेंट। और इंसर्टिंग एरर सेंडिंग मैसेज, सही है MongoDB। तो ये मेरी क्या हो गई, सेंड मैसेज की API थी वो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अच्छा मुझे एक यहाँ पे वो और भी लगाना था कि जिसको ये मैसेज भेजा जा रहा है ना उसकी वो अंडरस्कोर ID सही होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं एक वैलिडेशन लगाता था, वो कैसे लगाता था ना, गेट फीड, यार इसके लिए मैं एक मैसेज लगाता था, ये रहा इज वैलिड यूज़र आईडी ना, ये लगाता था मैं। तो ये भी मुझे चाहिए होगा कि भाई ये जिसको जिस देखो जो जो मैसेज भेज रहा है वो तो चलो डिकोडेड मैसेज उठा रहा हूँ ना मैं, तो उसको मुझे वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यूज़र ने अभी अभी जो लिखा है तो उसमें मुझे ये चेक करना ज़रूरी है कि ये जो कह रहा है ना कि जिसको मैसेज भेजना चाह रहा है ये, वो जो क्या होना चाहिए, यूज़र आईडी उसकी सही होनी चाहिए। जिसको मैं नीचे लगाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अगर तो मौजूद ही नहीं होगा तो यहीं से वापस चला जाएगा, फिर अगर मौजूद होगा तो यहाँ पे ये वेरीफाई हो जाएगा कि ये वैलिड है कि नहीं है। तो ये दोनों वैलिडेशन मुझे, अच्छा वैलिडेशन बाय द वे बहुत सारी लगती है, ठीक है, मिसाल के तौर पर ये टेक्स्ट मैसेज जो है इसकी लेंथ कितनी हो सकती है, मिनिमम मैक्सिमम, अब जाहिर है वो तो मुझे लगानी होती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इसके अंदर कम से कम भी जो है ना 100 लाइन की वैलिडेशन लगती है, जो कि मैं शुरू से अभी तक जो भी आपको पढ़ाया उसके अंदर मैंने किसी में भी इतनी वैलिडेशन नहीं लगाई, सही है, कम से कम 100 लाइन की वैलिडेशन लगती है कि भाई ये, अब जैसे मैसेज इसमें तो चलो सिर्फ टेक्स्ट है, लेकिन रियल ऐप में कभी भी टेक्स्ट नहीं होता, सिर्फ साथ में इमेज होती है, ठीक है, साथ में फॉरवर्ड मैसेजेस होते हैं, डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं उसके अंदर, डिफरेंट किस्म की अटैचमेंट्स हो सकती हैं, रिप्लाई का ऑप्शन हो सकता है, बटन्स हो सकते हैं उसके अंदर, तो वो कभी भी एक सिंपल टेक्स्ट नहीं होगा। अच्छा अब तो उसमें देखो क्या क्या वैलिडेशन लगेगी, मैसेज में तो चलो सिर्फ ये है कि मैं लगा दूंगा भाई मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी, मैक्सिमम लेंथ मैंने कहा 5000 कैरेक्टर से ज़्यादा का मैसेज नहीं होगा, एक मैंने बात कह दी है, ठीक है, लगाना मुझे पड़ेगा, चाहे मैं 1 लाख का लेंथ की लिमिट लगाऊं, चाहे 50,000 लगाऊं, चाहे 5000 लगाऊं, मुझे कहीं ना कहीं लिमिट लगानी पड़ेगी, अदरवाइज क्या होगा, मेरे डेटाबेस के लिए वल्नरेबिलिटी है, वरना कोई आएगा हैकर वो पूरे विकिपीडिया के पेज कॉपी मारेगा, मैसेज दम सेंड करेगा, 1 घंटे के अंदर मेरा डेटाबेस ओवरफ्लो करा देगा, समझ रहे हो, 1 घंटे के अंदर मेरे डेटाबेस का बेड़ा गर्क कर देगा। अब मेरा सिस्टम क्रैश होगा जाहिर है, जब डेटाबेस फुल होगा मेरा, तो या तो सिस्टम क्रैश होगा या तो ओवर बिलिंग होगी, ये कोई भी करेगा 2 मिनट में करते हैं ये लोग, ठीक है, हैकर्स जो होते हैं ना सबसे पहले, जो यानी सिस्टम को क्रैश करने वाले जो होते हैं वो यही तरीके करते हैं सबसे पहले, उनके वो कुछ फिक्स चीज़ें होती हैं, कुछ वो यूँ दमादम मारते हैं, किसी ना किसी में हिट हो जाता है और उसी पे वो लूप चला के छोड़ देते हैं, बोलते हैं वो करते रहो यही। तो लिमिट इसमें मुझे लगानी पड़ती है कहीं ना कहीं, अभी तो हमने एक और भी लिमिट नहीं लगाई। अच्छा वो हमारा काम नहीं होता भाई, वो नेटवर्क सिक्योरिटी वालों का काम होता है, इसमें हम प्रॉक्सी के बिहाइंड रहते हैं हमेशा, ठीक है, क्लाउड फ्लेयर वगैरह कुछ ना कुछ हम बीच में लगाते हैं, उसके पीछे हम खड़े होते हैं, क्लाउड फ्लेयर को हम आगे रखते हैं, उसके पीछे रहते हैं, तो वो चीज़ हमने कवर नहीं की यहाँ पे, लेकिन वो आसान है बहुत, आप खुद देख लेंगे वो, ठीक है। उसके अलावा जो रेट लिमिट है कि कितनी API कॉल हो सकती है 1 मिनट के अंदर अंदर, इस तरह की बहुत सारी वैलिडेशंस लगती हैं इसमें, जो कि हमने कुछ भी नहीं लगाई इसके अंदर, लेकिन जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ कि भाई ऐसा होता है। तो यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है ना 4-5 लाइन में ये लिख दिया मैंने सारी वैलिडेशन, इसमें कम से कम 100 लाइन की वैलिडेशन होगी अगर सही वाली करूँगा मैं तो, ठीक है, ओके। अच्छा इसमें और तो कोई काम नहीं करना मैंने। अच्छा इसमें देखो मैं फ्रॉम वाले का नाम लिख रहा हूँ ना, इसमें मैं क्या लिख रहा हूँ, फ्रॉम वाले का नाम लिख रहा हूँ, लेकिन मैं जो जिसको टू भेजा जा रहा है ना उसको, उसका नाम नहीं लिख रहा इस पर मैं, ये बात नोट करने वाली है यहाँ पे, सही है ये बात यहाँ पे नोट करने वाली है। अच्छा क्यों नहीं लिख रहा मैं ऐसा, क्या मुझे उसका भी नाम लिखना चाहिए, क्या मुझे उसका नाम लिखना चाहिए जिसको मैं मैसेज भेज रहा हूँ, टू वाले में क्या मुझे नाम लिखना चाहिए, या सिर्फ फ्रॉम का नाम लिखा मैंने, भाई जाहिर है नाम तो मुझे दोनों का दिखाना है ना स्क्रीन पे, फ्रॉम भी दिखाना है टू भी दिखाना है, हाँ
मेरा सवाल है ना, सवाल समझे तुम? देखो फ्रॉम की तो मैंने तीन चीज़ें लिखी हैं, नेम भी लिखा है, ईमेल भी लिखा है, आईडी भी लिखी है। टू वाले का मैंने सिर्फ आईडी लिखी है, तो क्या मुझे टू में भी ये दोनों चीज़ें लिखने की ज़रूरत है? अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ये सवाल है ना यार। क्या मुझे, क्योंकि नाम तो दिखाना तो मुझे दोनों का है, फ्रॉम का भी और टू का भी, तो क्या मुझे ये दोनों नाम टू में भी लिखने चाहिए या सिर्फ फ्रॉम में लिख दिया तो काफ़ी है? डिस्प्ले कराना है ना, जिसको सेंड करना है उसका नाम डिस्प्ले नहीं कराना। सही है, चैट विंडो पे नाम आ रहा है, हर मैसेज के साथ आ रहा होता है। एक मिनट देख लेते हैं हम। कन्वर्सेशन स्क्रीन, हाँ यार व्हाट्सएप पे तो नाम नहीं दिखा रही है। हाँ नाम तो नहीं आ रहा है इसके अंदर। अच्छा ग्रुप कन्वर्सेशन में आता है आई थिंक। हाँ ग्रुप कन्वर्सेशन में हर मैसेज के साथ नाम आ रहा है। अच्छा इसमें सामने वाले का नाम आ रहा है, मेरा नहीं आ रहा, लेकिन ये क्या चक्कर है? अच्छा छोड़ो व्हाट्सएप क्या करता है, मेरी रिक्वायरमेंट इस वक्त ये है कि इधर भी नाम शो होगा और इधर भी नाम शो होगा। अच्छा मैं मेरे मैसेज की जगह मैं लिख दूंगा मी, मेरे मैसेज की जगह मैं लिख दूंगा मी, और सामने वाले मैसेज का मुझे बंदे का नाम हर मैसेज के साथ दिखाना है, मेरी ये रिक्वायरमेंट। हाँ हाँ अच्छा इसको हम सिमुलेट करते हैं एक रियल यूज़र की नज़र से, मिसाल के तौर पे। देखो मिसाल के तौर पे मैं एक मैसेज सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, मैं एक यूज़र लॉगिन हूँ मलिक, मैं मैसेज सेंड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे फ्रॉम में क्या लिखा हुआ आएगा? मलिक लिखा हुआ आएगा, और यहाँ पे जो है वो मलिक एट abc.com जो भी है वो लिखा हुआ आएगा, और यहाँ पे मेरी आईडी लिखी हुई आएगी। अच्छा इस जगह पे ऑन अदर एंड सिर्फ आईडी लिखी हुई और कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अब ये जो मैसेज है ना मेरा, ये मैं भेज रहा हूँ, मुझे मेरी स्क्रीन पे इसका नाम डिस्प्ले नहीं करवाना है। सामने लेकिन जिसके पास पहुँचता है ना ये, उसके पास इसका नाम डिस्प्ले होना चाहिए, सही है? अच्छा तो वो फ्रॉम उसके पास पहुँच गया, वहाँ पर वो डिस्प्ले हो जाएगा, सही है? अच्छा टू के अंदर जिसको मैं भेज रहा हूँ, टू के अंदर उसका नाम, क्योंकि देखो जाहिर सी बात है जब मैं इनबॉक्स में जाऊंगा ना, बंदों के तीन चार पाँच छः बंदों के नाम लिखे हुए आ रहे हैं, तो मैं उसके अंदर किसी बंदे का नाम सेलेक्ट करूंगा। जब मैं बंदे का नाम सेलेक्ट कर लूंगा तो मुझे उसका नाम पता लग जाएगा कि ये बंदा कौन है, ठीक है, मुझे उस बंदे का नाम पता लग जाएगा कि ये बंदा कौन है, तो मुझे उसका नाम मैं वैसे ही डिस्प्ले करा दूंगा। उसके नाम मुझे हर मैसेज के साथ नहीं चाहिए, मेरा नाम हर मैसेज के साथ चाहिए। अच्छा इसी तरीके से मेरे पास जो सामने से बंदा मैसेज भेजेगा, मेरे पास जो सामने से बंदा मैसेज भेजेगा उसमें नाम लिखा हुआ आ रहा होगा, सही है? तो आई थिंक इस केस को देखते हुए आई थिंक कि मुझे सिर्फ फ्रॉम में अगर नाम लिखूं तो गुड इनफ है। अच्छा वैसे मैं दोनों में भी ना लिखूं ना, मुझे वैसे दोनों यूज़र का पता है, दोनों यूज़र में भी ना लिखूं तो भी चल जाएगा, ठीक है, लेकिन जस्ट टू डेमॉन्स्ट्रेट ये वाला काम मैं कर रहा हूँ। वैसे अगर सही मानों में देखा जाए तो जिस बंदे के नाम पे क्लिक किया मुझे उसका भी नाम पता है, मैं खुद लॉगिन हूँ मुझे मेरा भी नाम पता है, तो मैं दोनों का भी वैसे लिख सकता हूँ, लेकिन जस्ट टू डेमॉन्स्ट्रेट मैं ये वाला काम कर रहा हूँ, सही है? अच्छा भाई ये वाला काम मेरा सेट हो गया, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा अब सेंड मैसेज मैं भी इसी से करूँगा और सामने वाला बंदा भी इसी से करेगा, सेंड मैसेज दोनों इसी से करेंगे। अच्छा अब गेट मैसेज के लिए क्या होगा, गेट मैसेज में आ जाते हैं अब कि भाई तमाम मैसेजेस मुझे गेट करना है, बल्कि चलो पहले सेंड मैसेज को तो ज़रा वो कर लें। नहीं यार सेंड मैसेज और गेट मैसेज दोनों API रेडी होगी जभी तो स्क्रीन बनेगी, एक मैसेज से कैसे स्क्रीन बनेगी, चलो इसको भी पहले कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा इसमें मुझे यूज़र से क्या क्या इनपुट चाहिए, ये दोनों चीज़ मैं उठा लेता हूँ पहले, ठीक है। इसमें मुझे मैसेज नहीं चाहिए बंदे से, इसमें मुझे सिर्फ ये चाहिए कि टू वाली आईडी चाहिए, मतलब मैं मैसेज गेट कर रहा हूँ तो मुझे ये बात पता है कि
मेरे मैसेजेस उठाने हैं, लेकिन मेरे मैसेजेस किसके साथ बात हुए हुए मैसेज, ठीक है, तो वो मुझे यूज़र से लेना पड़ेगा, ठीक है, वो मुझे यूज़र से लेना पड़ेगा। तो मुझे ऐसे मैसेजेस उठाने हैं जिसमें टू में मेरा नाम लिखा हो, टू में मेरा नाम लिखा हो, और फ्रॉम में किसका नाम हो, किसी एक बंदे का नाम हो जो कि फिक्स नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या कर लूँगा कि फ्रॉम वाली जो अंडरस्कोर आईडी है ना वो मैं ले लूँगा कि भाई मैसेज गेट करने, लेकिन फ्रॉम किसकी तरफ से आए हुए मैसेज, टू तो मेरा ही होगा, ठीक है, फ्रॉम किसकी तरफ से आए हुए मैसेज मुझे गेट करने हैं। तो ये मैंने यहाँ पे लगा लिया कि भाई फ्रॉम आईडी मुझे चाहिए तमाम मैसेज को गेट करने के लिए, ये फ्रॉम की अंडरस्कोर आईडी मैंने चेक कर ली। सही है, अच्छा अब ये फ्रॉम वाले जो है ना मैं यहाँ पे भी ले सकता हूँ, फ्रॉम वाली जो आईडी है वो मैं यहाँ पे भी ले सकता हूँ कि भाई मैसेजेस स्लैश और फला बंदा, जब हम फेसबुक पे भी बात कर रहे होते हैं बंदे से तो इसी तरह आ रहा होता है। तो अगर मैं ये यहाँ पे ले लूँ फ्रॉम अंडर स्कोर आईडी ऐसे तो भी सही हो जाएगा, मेरा ज़रा यूआई क्लीन हो जाएगी। तो रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट फ्रॉम आईडी कर दी मैंने, ठीक है, क्योंकि गेट की एपीआई है और ये कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, तो इसको मैं पैरामीटर में भी ले सकता हूँ। अच्छा पैरामीटर में लेने से क्या होगा, मैं इसको जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो रिएक्ट राउटर के साथ इसको मैं बाउंड कर दूंगा, और रिएक्ट राउटर के साथ बाउंड करने के बाद क्या होगा कि जब मैं यूआरएल जैसे फेसबुक व्हाट्सएप पे अगर मैं किसी से बात करता हूँ ना वेब में, व्हाट्सएप वेब में, तो वो यूआरएल में आ रहा होता है, तो वो यूआरएल अगर मैं कॉपी करता हूँ और दूसरे विंडो में खोलता हूँ तो उसी बंदे पे आता है वो उड़ के। तो इस चीज़ के साथ ये अप्रोच करने से मैं उसको रिएक्ट राउटर के साथ भी बाउंड कर सकता हूँ कि जो यूआरएल में बात हो रही है वही यूआरएल ऊपर ब्राउज़र पे भी आ रहा है, ठीक है। तो चलो मैंने ऐसे कर लिया। अब मुझे क्या लगानी है, इसके ऊपर क्वेरी परफॉर्म करनी है मैंने, ठीक है, किस पे, मैसेजेस कलेक्शन पे। मैंने कहा कि यार मैसेज कलेक्शन डॉट क्या था, फाइंड डॉट, अच्छा इसको भी मैं यहाँ से उठा लेता हूँ ना यार, मैसेज जो मैं गेट करता था ना पहले पोस्ट गेट, हाँ ये है ना, इस तरह करता था मैं, उठा लेता हूँ इसको मैं यहाँ से, एक्चुअली यही काम कर रहा हूँ मैं जो मैसेजेस कलेक्शन पे कर रहा हूँ, बट मैसेजेस कलेक्शन डॉट फाइंड, और डॉट फाइंड में मैं क्या चाहता हूँ कि मैं मैसेजेस गेट कर रहा हूँ तमाम के तमाम, तो जिसमें क्या होना चाहिए, टू में मेरी आईडी होनी चाहिए, टू में क्या होनी चाहिए, मेरी आईडी। तो मैंने कहा कि भाई ऐसे आप मैसेजेस उठा के लाओ जिसमें टू अंडर स्कोर आईडी जो है ना उसमें क्या हो, रिक्वेस्ट डॉट डिकोडेड, सही है, डॉट अंडर स्कोर आईडी, कि टू में मेरी आईडी हो, ठीक है, और फ्रॉम में क्या हो, फ्रॉम अंडर स्कोर आईडी में क्या हो, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट फ्रॉम अंडर स्कोर आईडी, सही है, ये बात लिखी हुई है, सॉरी हाँ न्यू ऑब्जेक्ट आईडी करके लिखना होता है मुझे, अच्छा भाई सॉल्ट भी इसको कर लेता हूँ मैं और लिमिट भी लगा लेता हूँ 100, क्योंकि पेजिनेशन से करूँगा मैं इसको बाद में, ठीक है, पेजिनेशन की कंप्लीट चीज़ नहीं कर रहा मैं अभी यहाँ पे, जस्ट मैंने लिमिट लगाई हुई है, वो आपको पता है कि पेजिनेशन किस तरह से होती है, हम पहले करके देख चुके हैं, हाँ वेट मैं देख लेते हैं क्या आ रहा है, अच्छा ये सिंक नहीं बना हुआ अभी वेट में, इसलिए हाँ अपनी आईडी में भेज नहीं रहा हूँ, अपनी आईडी में लॉग इन हूँ ना, तो मैं डिकोडेड से उठा रहा हूँ अपनी आईडी, जब ही तो मैंने दो क्राइटेरिया दिया है, मैंने कहा भाई ऐसे मैसेजेस लाओ जिसमें टू में मेरी आईडी हो, लेकिन टू में तो जिससे भी बात करूंगा टू में मेरी आईडी होगी, फिर मैंने कहा फ्रॉम में फला बंदे की आईडी हो, तो ये खास कॉम्बिनेशन दिया मैंने, मिसाल के तौर पर मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, तुम्हारा क्या नाम है,
मुजम्मिल। तो मैंने कहा कि यार टू में जो है वो क्या हो, इंजमाम हो और फ्रॉम में मुजम्मिल हो, कि फ्रॉम से बात हुई है मेरी, ठीक है। अच्छा अब सुन तो लो यार, तुम समझ नहीं रहे शायद बात को। देखो अभी इसमें ये अधूरी आधी क्वेरी है, इसमें आधी और लगेगी अभी पहले, लेकिन आधी तो समझ लो, आधी तो समझ लो। अच्छा मैं तुम्हें मैसेज भेजता हूँ, उसमें फ्रॉम में क्या होगा, इंजमाम, और टू में मुजम्मिल होगा, सही है। तो मैं जितने भी मैसेज तुम्हें भेजूँगा, तो ये दो, ये कॉम्बिनेशन है ना, फ्रॉम में इंजमाम और टू में मुजम्मिल, क्या किसी और से बात किए हुए मैसेज में ये कॉम्बिनेशन होगा? नहीं होगा, ठीक है। फ्रॉम में तो मेरा ही नाम होगा, लेकिन टू में किसी और का होगा, अगर किसी और का मैसेज है तो। टू में अगर मुजम्मिल है और फ्रॉम में मेरा है, तो इसका मतलब है मेरे और तुम्हारे दरमियान ये बात हुआ वही मैसेज है ये, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया कि टू में क्या आ जाए, मेरी आईडी आ जाए, और फ्रॉम में मुजम्मिल आ जाए। यानी ये मैसेज वो कह रहा हूँ कि तुम्हारा भेजा हुआ जो मेरी तरफ भेजा हुआ मैसेज है ना, वो मंगवाया मैंने, मैंने जो मैसेज भेजा था वो नहीं अभी बोला मैंने। तो मुझे तो कन्वर्जेशन में दोनों साइड के मैसेज चाहिए होते हैं ना, कन्वर्जेशन में तो मुझे दोनों साइड के मैसेज चाहिए होते हैं। अब मैंने कंडीशन क्या लगानी है कि या तो ये सेट ऑफ कन्वर्जेशन हो, या तो क्या हो, अपोजिट हो इसका, फ्रॉम के अंदर ये हो और टू के अंदर ये हो। सही है, ये मुझे कॉम्बिनेशन चाहिए, मुझे या तो ये सेट ऑफ कॉम्बिनेशन हो, या तो ये सेट ऑफ कॉम्बिनेशन हो। अब मैं क्या करूं, ये क्वेरी कैसे लगेगी, बताया था मैंने पहले, मुझे ये चाहिए या तो ये चाहिए, कोई मैसेज ऐसा हो जिसमें टू में, देखो दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, क्या चक्कर क्या है इसका, गौर से समझ लेना। देखो क्या चक्कर है इसका, गौर से समझना। टू में, ठीक है, मेरी आईडी हो, इंजमाम, और फ्रॉम में क्या हो, मुजम्मिल हो, यानी मुजम्मिल की तरफ से भेजा गया मैसेज इंजमाम को, तो या तो वो मैसेज मुझे चाहिए। अगर मैं सिर्फ ये लिखता हूँ, अगर सिर्फ ये लिखता हूँ, तो मुझे क्या, कौन से मैसेज मिलेंगे जो मुजम्मिल ने इंजमाम को भेजा है, जो इंजमाम ने भेजा वो नहीं मिलेगा। अच्छा फिर मैंने एक दूसरा भी भेजा यहाँ पे कि भाई फ्रॉम में क्या हो, मेरी आईडी हो, इंजमाम, फ्रॉम में इंजमाम और टू में मुजम्मिल, कि इंजमाम ने जो मुजम्मिल को मैसेज भेजा वो मुझे चाहिए। अच्छा अगर तुम ये चारों लगा दूंगा ना, तो एक भी मैसेज नहीं, क्योंकि ऐसा कोई मैसेज नहीं होगा जिसमें ये चारों क्राइटेरिया ट्रू हो। और वैसे ये एरर भी है, क्योंकि टू आईडी दो दफा हो गया ना एक ही ऑब्जेक्ट में, तो ये वैसे भी एरर है। तो मुझे और लगाना है कि या तो ये हो या तो ये हो। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, और का ऑपरेटर लगाता हूँ ना भाई, और का ऑपरेटर लगाता हूँ ना, भूल गए, ऐसे ही लगाते हैं और कैसे लगाते हैं। अबे भाई मोंगो डीबी के अंदर इसी तरह होता है यार, ये हमने लगाया है पहले, ये और ऑपरेटर, हमने ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया है बार बार। ऑपरेटर कौन सा इस्तेमाल किया क्या कंडीशन ट्रू, इसमें मैं कह रहा हूँ कि या तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए या तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए। ये मैसेजेस को टॉप से देखना शुरू करेगा उस कलेक्शन में, या तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए या तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए, कोई एक भी ट्रू होना तो वो मैसेज मुझे चाहिए। हाँ अच्छा, दोस्त ने अच्छा सवाल किया कि मिसाल के तौर पे मुजम्मिल ने, ठीक है, टू में मेरी आईडी इंजमाम और फ्रॉम में मुजम्मिल है, कि मुजम्मिल ने इंजमाम को मैसेज किया, तो हो सकता है कि मुजम्मिल ने इंजमाम को बहुत सारे मैसेज किए हों, इंजमाम ने कोई जवाब नहीं दिया, हो सकता है ना ये। तो उस केस में क्या होगा, मिसाल के तौर पर कलेक्शन में 100,000 मैसेजेस थे, ये शुरू से देखना शुरू करेगा, 10 मैसेज ऐसे थे जिस पर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है, 10 मैसेज ऐसे थे जिस पर ये कंडीशन ट्रू होती है, तो वो 10 मैसेज मुझे मिल जाएंगे। ये कंडीशन ऑन अदर एंड किसी भी मैसेज पर ट्रू नहीं होती, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। एक्चुअली करेगा क्या ये, जो 100,000 मैसेजेस पड़े हैं ना टोटल कलेक्शन में, हर मैसेज पे जाके इसको भी ट्राई मारेगा, इसको भी ट्राई मारेगा, सही है, दोनों को ट्राई मारेगा हर एक मैसेज पे जाके। जब ये दोनों को ट्राई मारेगा ना, तो हम ये बात जानते हैं कि दोनों एक वक्त में ट्रू नहीं होंगे, एक वक्त में कोई एक ही ट्रू हो सकता है, ठीक है। तो लिहाजा जिस पे ये ट्रू होगा उस पे वो आगे चेक नहीं करेगा,
जिस पे ये ट्रू नहीं होगा उस पे वो आगे चेक करेगा। तो पूरे 100,000 मैसेजेस पे ना इन दोनों को वो बारी बारी ट्राई मारेगा। तो उन 100,000 मैसेजेस पे 10 मैसेज ऐसे थे ना, 10 मैसेज ऐसे थे जिस पे या तो ये कोई एक कंडीशन ट्रू हुई, तो वो 10 मैसेज मुझे मिल जाएंगे एट द एंड। अब वो 10 मैसेज सारे मुजम्मिल के भी हो सकते हैं, सारे इंजमाम के भी हो सकते हैं, दोनों के मिक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मुझे वो सारे के सारे मैसेजेस क्या होंगे, मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो अभी मेरे पास जो चैट का इस वक्त है ना, वो हमने एक मिस्टेक की है लास्ट में यूआई बनाते हुए। वो मिस्टेक हमने ये की है कि जो है ना, हमने चैट जो बनाया ना उसके अंदर वो नहीं बनाया। हाँ, टाइम भी ऐड होगा, क्रिएटेड ऑन नहीं लगाया मैंने, सर्वर का ही टाइम चाहिए मुझे। हाँ नहीं नहीं क्यों, ये टाइम रखा हुआ है ना मैंने, सही तो है। हाँ सही है, सर्वर पे 11 कैसे बज सकते हैं जब 9 बज रहे हैं। तो सर्वर यूएस में तो क्या हुआ, टाइम जोन इंडिपेंडेंट होता है ना सर्वर। तो किसको ये बात पता है, ये मैंने एक दफ़ा डिस्कस की है डिटेल में ये वाली बात। जावास्क्रिप्ट में जब हम डेट को ऑब्जेक्ट पढ़ रहे थे उस वक्त मैंने ये बात डिटेल में डिस्कस की है। और जब मैंने पहली दफ़ा ये क्रिएटेड ऑन जब बनाया था मोंगोडीबी में, तो मैंने दोबारा ये बात डिस्कस की थी। वही बात है, वही बात जो तुमने, वही बात है। अब ज़रा तुम एक्सप्लेन करो कि वो क्या बात है, एक्सप्लेन करो कि वो क्या बात है। सही है, अच्छा आर यू श्योर कि सर्वर का टाइम सही था, आर यू श्योर? क्योंकि जब मैं गूगल क्लाउड पे डिप्लॉय करता हूँ ना, तो आई एम श्योर कि गूगल क्लाउड पे जो टाइम है ना वो सही टाइम है। साइक्लिक पे भी टाइम सही होता है यार, सबसे पीछे जो बैठे हो ना उसके आगे जो बैठे हो यार, ज़रा मेरे पानी तो ला दो, सबसे पीछे से आगे जो ग्रीन, नहीं नहीं तुम नहीं, तुमसे पीछे वाला। हाँ तुम, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ यार पानी तो ला दो ग्लास। अच्छा तो तुमने किस तरह से डिस्प्ले करवाया कि गलत हो गया वो, एक्सप्लेन करो अपना प्रॉब्लम। नहीं वैसे ही एक्सप्लेन करो ना, चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या चक्कर है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या चक्कर है। देखो ये मैंने क्लियर मारा इसको, और मैंने कहा कि भाई न्यू डेट, और ये मैंने क्या किया, डेट गेट कर लिया। अच्छा अब देखो ये सिर्फ मुझे डेट नहीं बताता है, बल्कि मुझे साथ में ये भी बताता है कि प्लस 5 GMT है, प्लस 5 बताता है इसको, ये बात जानता है कि ये प्लस 5 है। अच्छा अगर मैं इसको बोलता हूँ कि न्यू डेट डॉट गेट टाइम, तो ये मुझे मिलता है मिली सेकंड में। ये मिली सेकंड वाला जो डेट होता है ना, ये मेरे सिस्टम में जो अभी आ रहा है वो भी सेम है, और जो गूगल के सिस्टम में आएगा वो भी सेम होगा। मैं दुनिया की किसी भी सिस्टम में इस वक्त राइट नाउ ये टाइम गेट करूँगा, यही टाइम आएगा, क्योंकि ये टाइम जोन इंडिपेंडेंट होता है, इसमें कोई टाइम जोन इन्वॉल्व नहीं होता, सही है। और टाइम जोन इसमें कौन सा होता है, ग्रीनविच होता है। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ ना प्लेन यानी 1970 मिडनाइट से, मैं इसको जनवरी 1970 मिडनाइट से मैं काउंट करूँ और यहाँ तक काउंट करूँगा, तो मेरे पास जो टाइम आएगा ना वो टाइम प्लस 0 GMT पे आएगा। समझिए ये बात, मेरे पास जो टाइम आएगा ना वो प्लस किस पे आएगा, प्लस 0 GMT पे आएगा। अच्छा फिर जब मैं बोलूँगा ना इसको, जाहिर है ये सिस्टम में तो मैं मिली सेकंड में उन्हें स्टोर करवा दिया, अब जब मैं वापस इसको डिस्प्ले करवाऊँगा, जब डिस्प्ले करवाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा न्यू डेट, सही है। अच्छा न्यू डेट ऐसे लिखने से तो सिस्टम का टाइम दे देता है ये, तो मैं लिहाजा क्या करूँगा इसमें, ये मैं बोलूँगा डेटाबेस से मुझे ये टाइम मिला है, सही है। तो ये टाइम जब मिला है ना, तो देखो मेरे सिस्टम में इस वक्त एक टाइम जोन स्टोर है, ये इसको ना सिर्फ कन्वर्ट करता है बल्कि इसमें मेरे टाइम जोन के हिसाब से ऐड या माइनस भी कर देता है। तो ये इस वजह से मुझे प्लस 5 GMT दिख रहे हैं यहाँ पे,
ठीक है। अच्छा अब मेरे पास क्या ऐसी फैसिलिटी मौजूद है कि मैं किसी जगह जाके टाइम गेट करूं? कौन सी ऐसी जगह होगी क्लाउड वाली जहां पे मैं टाइम गेट कर सकता हूं? अभी कोई है क्लाउड कंसोल है कोई ऐसा? ओके जैसे मेरे पास ये है, ठीक है, ये गूगल क्लाउड मेरे पास इत्तफाकन खुला हुआ है, तो इसका मैं टर्मिनल खोल लेता हूँ, है ना। टर्मिनल का एक्सेस होता है ना हमारे पास, ये टर्मिनल का एक्सेस है मेरे पास। अच्छा टर्मिनल में टाइम कैसे गेट करते हैं यार? ये तो मैंने कभी किया ही नहीं आज तक। चलो नॉट जेएस तो होगा ना इसमें, नॉट जेएस से टाइम गेट कर लेंगे। सही है, मैंने कहा नॉट एंटर, सही है। नॉट एंटर करने से ये क्या खुल जाता है? नॉट जेएस का एनवायरनमेंट खुल जाता है, यहाँ जावास्क्रिप्ट चलती है। तो मैंने कहा कि यार न्यू डेट, सही है। तो न्यू डेट से आप देखो ये क्या मुझे दे रहा है, ये मुझे दे रहा है 16:36, सही है, 16:36। लेकिन ये मुझे साथ में क्या बता रहा है कि इसका टाइम जोन भी कुछ कुछ बता रहा है ये, सही है। अच्छा ये नहीं समझ आ रहा, मैं डॉट गेट टाइम कर लेते हैं, सही है गेट टाइम। अब देखो यहाँ पे ना गेट टाइम से ये गेट होता है, सही है, ये गेट हो गया। अब ये मैं आता हूँ, जब इसको कॉपी करता हूँ, ये मैंने अभी गेट किया ना, कितने बजे किया है? 9:36 PM पे किया है, ठीक है। गूगल के कंप्यूटर पे ये चल रहा है, ये मेरे कंप्यूटर पे नहीं चल रहा है, याद रखो, ठीक है। अब मैं अपने कंप्यूटर में आके यही वाला काम करता हूँ। गूगल इस वक्त USA के अंदर है ना। अच्छा मैंने कहा कि यार ये है मेरे पास वो नंबर जो मैंने गूगल से उठाया था, मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि यार न्यू डेट, और देखो न्यू डेट से ये मुझे सिस्टम का टाइम ला के दे रहा है, लेकिन जब मैं बोलूँगा ना ये वाला है मेरे पास, तो ये मुझे क्या ला के दे रहा है? ये वो टाइम ला के दे रहा है मुझे। मैंने कितने बजे गेट किया था इसको? 9:36 पे। देखो अभी 37 हो गया, लेकिन ये मुझे 36 ही देगा, क्योंकि जाहिर है उस वक्त मैंने स्टोर किया था। कंट्रोल जेड करूँगा तो ये इतना लिखने से मुझे 9:37 देगा ये, ठीक है। लेकिन जब मैं ये करूँगा तो मुझे 9:36:34 देगा ये। तो सर्वर से मैं टाइम उठाऊँ या कहीं से भी टाइम उठाऊँ, अगर मैं मिली सेकेंड में उठाता हूँ तो वो क्या होता है? वो टाइम जोन इंडिपेंडेंट होता है, वो मैं जिस सिस्टम पर डिस्प्ले कराऊंगा उस सिस्टम का टाइम जोन देखते हुए उस हिसाब से उसको वो डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। अच्छा अब हम मिली सेकेंड में तो नहीं स्टोर करवा रहे सर्वर पे, सर्वर में तो हम स्टोर करवा रहे हैं ISO फॉर्मेट में। तो ISO फॉर्मेट में क्या होता है, टाइम तो सर्वर का ही स्टोर होता है, लेकिन साथ में उसके जोन भी लगा रहा होता है, नो मैटर वॉट कि वो क्या जोन है। अच्छा आप जरा जोन वाला कर लेते हैं बाकी, ठीक है, जोन वाला भी कर लेते हैं ना। मिसाल के तौर पर मैं जस्ट इतना लिखता हूँ न्यू डेट, ठीक है, तो मुझे ये मिलता है, ये मिलता है मुझे। यार ये क्या सीन है, जब मैं ऐसे करता हूँ तो मुझे ये दिखाता है और वो करता है 16:38। हाँ नहीं सही 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 दिखा रहा है। तो मैं इस ISO फॉर्मेट में स्टोर करवाता हूँ ना MongoDB में। तो अच्छा तो इस ISO फॉर्मेट में, अच्छा जब मैं अपने पास ISO फॉर्मेट में गेट करता हूँ तो कैसे गेट होता है? डॉट टू ISO स्ट्रिंग करता हूँ ना इसको, सही है, मेरे पास इस तरह से गेट होता है, ठीक है। मेरे पास इस वक्त क्या हो रहा है टाइम? 9:36। लेकिन आप देखो ये टाइम यहाँ पे क्या गेट हुआ है, 16:36 हुआ है, 16:36। लेकिन टाइम जोन क्या है इसका? 0-0 है, यानी +-0 है। मैं इस वक्त +5 टाइम जोन में बैठा हुआ ना, मैं इस वक्त क्या बैठा हुआ? +5 टाइम जोन में। तो यहाँ पे 16:36 ये टाइम लेकर आता है, और जब मैं क्लाउड पे जाके करता हूँ तो भी क्या होता है, 16:36 या 38 आ रहा होता है यहाँ पे, सही है। नो मैटर कि हम टाइम को कहाँ से गेट करें, टाइम इज टाइम जोन इंडिपेंडेंट जब सिस्टम पे हम करते हैं अभी, ठीक है। अच्छा अगर मैं टाइम जोन मेंशन नहीं करता हूँ, टाइम जोन अगर मैं मेंशन नहीं करता तो बाय डिफॉल्ट इसका मतलब ये होता है कि वो -+0 GMT है, और अगर तो टाइम जोन का कोई सीन है तो मैं टाइम जोन मेंशन करता हूँ। लिहाजा क्या होगा कि जब मैं यहाँ से मैसेज सेंड कर रहा होऊंगा तो मैं उसके अंदर जो टाइम स्टोर कर रहा हूँ वो 9:36 नहीं कर रहा हूँ, मैं 4:00 समथिंग उसमें लगा रहा हूँ और टाइम जोन मेंशन नहीं कर रहा। इट मींस कि टाइम जोन जीरो है उसका। अब जिस जगह पे वो मैसेज डिस्प्ले होगा उस सिस्टम पे जब वो चलेगा ना तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, वो उसको टाइम जोन वाला बना के दिखा देगा, ठीक है। चलो भाई ये इत्तेफाक से मेरे पास जो ये खुला हुआ था यहाँ पे,
गूगल का क्लाउड और मेरे आ गया, तो मैंने एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया तुम लोगों को। अच्छा अब यार मैंने मिस्टेक क्या की है इसके अंदर, एक कल जो मैं यूआई बना रहा था जब, उस वक्त मैंने एक मिस्टेक की है कि मुझे ना चैट के ऊपर एक स्क्रीन पहले बनानी थी वो वाली, जहाँ पे तमाम यूज़र की लिस्ट मुझे दिखनी चाहिए थी, है ना, वो मुझे दिखनी चाहिए थी और उसके आगे मुझे ये बनानी थी स्क्रीन, लेकिन जोश में आके मैंने क्या किया, स्क्रीन ये वाली डायरेक्ट बना दी मैंने। अच्छा अब इसको कैसे सही करें, इसको दो पेज पे मुझे या तो चेंज करना पड़ेगा, या तो व्हाट्सएप वाला कर लें हम, साइड पे एक डब्बा बना के उसके अंदर यूज़र की लिस्ट दिखा दें, सही है। अच्छा लेकिन फ़िलहाल क्योंकि मैं APIs बना चुका हूँ, तो फिलहाल मैं ये करता हूँ कि हार्ड कोडेड ऊपर वेरिएबल एक बना देता हूँ कि भाई मेरी किस यूज़र से बात हो रही है, मैं इस फिलहाल ये बना लेता हूँ, फिर वो यूज़र की आईडी जो आपके नेविगेशन बार के अंदर जो आ रहा होगा एड्रेस, उससे आप वो उठा लेंगे रिएक्ट राउटर से, या मे बी नेक्स्ट क्लास में हम उसको एक प्रॉपर दो पेजेस में कन्वर्ट कर लें, लेकिन फिलहाल मैं क्या करता हूँ कि यूज़र की आईडी जिससे मेरी बात हो रही है उसको क्या कर देता हूँ, हार्ड कोडेड कर देता हूँ मैं फिलहाल के लिए, सही है। या मैं एक काम और भी सोच रहा था यार कि यहाँ पे जो बंदा आ रहा है ना ये वाला यार, इसी में इसका मैसेज का बटन बना देते हैं यहाँ पे, क्या ख्याल है, यहीं पे मैसेज का बटन बना देते हैं कि जब क्लिक करके जाए ना तो जाए इसी चैट के ऊपर ये, और यहाँ पे स्लैश करके वो नाम लिखा मारा हो बंदे का, नहीं फिलहाल तो कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा ना, स्क्रीन तो बनेगी अलग, वो तो आई एक्सेप्ट की स्क्रीन बनेगी, लेकिन फिलहाल हार्ड कोडेड करने से बेहतर है कि मैं बटन बना दूँ यहाँ, है नहीं कि बटन बना देना ज़्यादा मेक सेंस है ना यार, हार्ड कोडेड कर देना तो बिल्कुल ही नॉनसेंस हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस पोस्ट के नीचे ना एक बटन बना देता हूँ, और उसको बटन को दबाने से जो है वो क्या करे, डायरेक्ट उसकी मैसेज की स्क्रीन पर ले जाए, ठीक है। और मे बी कल की क्लास में या किसी क्लास में हम क्या करें कि जो मतलब ये इस तरफ पोस्ट आती है ना, इसके लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे एक बार बना के मैं तमाम यूज़र की लिस्ट भी दिखा दूँ, सही है, जिससे मेरी बात हो चुकी है अभी तक, काइंड ऑफ सही हो गया जी। ओके चलो यार इस पे ना बटन बना देते हैं जल्दी से चल के हम, वेब और सोर्स और जी पेजेस और जी होम, होम डॉट जे एस एक्स, और होम डॉट जे एस एक्स के अंदर मैंने क्या कर दिया, ओके कहाँ पे मैं पोस्ट को डिस्प्ले करवाता हूँ वहाँ चलते हैं, ये मैं पोस्ट को डिस्प्ले करवाता हूँ यहाँ पे, राइट। अच्छा ये मेरे पास बटन्स बने हुए हैं, नंबर एक बटन बना हुआ है मेरे पास कैंसिल, नहीं ये तो अच्छा अपडेट का फॉर्म है, ये तो अपडेट के फॉर्म को मैं बंद कर देता हूँ, सही है, ये मेरी एक्चुअल पोस्ट है। अच्छा इसमें ये इमेज दिखती है मेरे पास, इसमें ये बटन बना हुआ है जी एडिट, उसके बाद बटन बना हुआ है डिलीट, और उसके बाद बटन बना हुआ है मेरे पास लाइक, और इसके बाद मैं ऐसा ही एक बटन और बना देता हूँ जिसका मैं नाम रख देता हूँ कि मैसेज, सही है मैसेज, और उसके आगे ये चीज़ जो है उसको हटा देता हूँ, और इसके अंदर जो ऑन क्लिक है, ऑन क्लिक पे मैं क्या कर देता हूँ, लिंक चला दूँ ऐसे, कैसे भेजता था मैं दूसरे स्क्रीन पे, कैसे भेजता था दूसरी स्क्रीन पे, कुछ भेजने का कोई तरीका तो था ना मेरे पास, कैसे था बताओ, ऑन क्लिक में मैं क्या लिखूँ यहाँ, लिंक टू, लिंक टू ऐसे, और इसके आगे ऐसे यूँ हैं, क्या लगेगा, यूज़ नेविगेट लगेगा, सही है, ये ऐसे लिंक नहीं लगेगा इसमें। अच्छा यूज़ नेविगेट में आ जाओ, यहाँ से मैं रिएक्ट राउटर डॉम से पहले तो वो उठा लूँ ना मैं, रिएक्ट राउटर डॉम से मैं क्या उठाऊंगा, यूज़, हाँ भाई यूज़ नेविगेट। अच्छा इसको इनिशियलाइज कैसे कर लूँगा मैं, कौन क्या नाम रखूँ इस वेरिएबल का, नेविगेट इक्वल टू ऐसे, सही लिखा है, देख लेते हैं भाई,
मुझे ही नहीं पता, देखते हैं चला के क्या होता है। ठीक है जी, और नेविगेट, ये अच्छा नेविगेट मैंने कैपिटल एन से लिखा था, कैसे लिखा था, स्मॉल एन से लिखा था। सही है, स्मॉल एन से। और इसके अंदर मैं क्या लिख दूं, स्लैश, मैं किस पे चैट पे बनाया ना मैंने, हाँ स्लैश चैट, स्लैश चैट और स्लैश उस बंदे की आईडी जिसको मैं मैसेज कर रहा हूँ, ताकि मैं फिर यूआरएल बार से वो उठा लूँगा ना अंदर जाके। अच्छा क्या है उस बंदे की आईडी भाई, इसको मुझे बैकटेक में कर देना होगा पहले। तो उस बंदे की आईडी है पोस्ट डॉट, क्या है डॉट क्वेश्चन मार्क है, क्या है क्वेश्चन मार्क पहले डॉट बाद में। अच्छा पोस्ट डॉट अंडर स्कोर आई डी, तो ये पोस्ट की आई डी हो गई ना, बंदे की आई डी की तरह, इसमें बंदे की भी आई डी मौजूद है। पोस्ट डॉट टाइटल, पोस्ट डॉट ऑब्जेक्ट, पोस्ट डॉट फर्स्ट नेम, बंदे की आई डी इसमें थी ना मेरे पास। चलो मैं सर्वर पे चल के देख लेता हूँ कि मैंने किस नाम से रखी थी। ये है ना मेरे पास, किधर गया वो जो डेटाबेस का मेरा था ना, कहाँ देखूँगा मैं ये जाके, राउट्स में जाके, और ये पोस्ट का जो एम जी एस है ना इसमें देखूँगा ना, जहाँ पे मैं पोस्ट को सेव करवाता हूँ। ये है ना वो एपीआई जिससे मैं एक नई पोस्ट करता हूँ, तो इस एपीआई में देख लेता हूँ मैं कि बंदे, जिस बंदे की पोस्ट है उसका मैंने किस नाम से करवाया है, ऑथर आईडी करवाया है मैंने। सही है, इसका नाम मैंने रखा है ऑथर आईडी। अच्छा लेकिन इसको जब मैं गेट करता हूँ तो मैं शायद किसी और नाम से करता हूँ ना, ऑथर ऑब्जेक्ट के नाम से करता हूँ आई थिंक, मैं ऑथर ऑब्जेक्ट कर दिया था मैंने इसको गेट करते थे। सही है, अच्छा वो किस में गेट किया, फीड में गेट किया, फीड में ज़रा एक नज़र मार लेते हैं हम। हाँ ऑथर ऑब्जेक्ट डॉट फर्स्ट नेम, ऑथर ऑब्जेक्ट डॉट लास्ट नेम, ऐसे है। ठीक है, अच्छा इसमें आईडी मैंने हटवा दी थी क्या, ये क्या सीन किया यार मैंने ये क्या किया मैंने यार। अच्छा मुझे आईडी, तो आईडी की तो जरूरत पड़ गई मुझे, तो एक काम करता हूँ जल्दी से इसमें आईडी रखवा भी देता हूँ हाथ के हाथ। देखते हैं अब आईडी देना शुरू कर देता है कि नहीं कर देता। अच्छा अच्छा ये कुछ दूसरा भी इशू आ गया ना इसमें, नहीं वो जो मैंने असल में यहाँ पे अधूरा अधूरी बात लिखी हुई है ना, ये पोस्ट डॉट करके स्लैश चैट, अभी फिलहाल मैं इसको कर देता हूँ ऐसे। होम, अभी मैं देख लेता हूँ ना कि मुझे आईडी मिलना शुरू हुई है कि नहीं हुई। हाँ सही, आईडी मुझे मिलना शुरू हो गई, मैंने वो आई एम नॉट श्योर वाई बट मैंने आईडी हटा दी थी, तो दोबारा मैंने आईडी को रखवा दिया। तो वेल अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, पोस्ट डॉट ऑथर ऑब्जेक्ट, ठीक है डॉट, यार ये क्वेश्चन मार्क पहले होता है ना फिर डॉट होता है, हाँ गलत लिख रहा हूँ, डॉट अंडर स्कोर आईडी। सही है, अब मैंने ये सही लिखा है राइट। अच्छा देख लेते हैं यार क्या रिपोर्ट है इसकी, सही भी लिखा है कि वैसे ही कुछ तुक्का लगा है। अच्छा अब मैं यहाँ पे जब मैसेज के बटन पे क्लिक करता हूँ तो क्या हो जाना चाहिए, मेरा जो यूआरएल है उसके अंदर स्लैश चैट और स्लैश एक बंदे की आईडी लिखी हुई आ जानी चाहिए। मैसेज का बटन दबाता हूँ, ये क्या होता है, ये तो गायब हो गया। राउटिंग, ओ यस, हाँ मुझे याद आ गया, राउटिंग पे मैंने ये किया है कि एक्चुअली जब कोई ऐसा यू आर आई हिट होता है जो एग्जिस्ट नहीं करता तो वो रिडायरेक्ट करके उसको मैं स्लैश पे लेकर आता था ना, ऐप डॉट जे एस एक्स पे मैंने ये काम किया हुआ है। चलो उसको भी ज़रा सही कर लेते हैं चल के, ऐप डॉट जे एस एक्स पे मैंने जो यहाँ पे राउटिंग की हुई है, ये वो राउट्स है ना मेरे, रोल इक्वल्स टू यूजर वाले को फिलहाल मैं देख रहा हूँ अभी। मैं कहता हूँ कि चैट के ऊपर क्या इसकी पाथ होगा, सिर्फ चैट होगा। सही है, सिर्फ चैट होगा एक्चुअली, तो मैं ये इसका पाथ मैं बता के यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। और अभी मेरे पास जो यूआरएल आ रहा है वो क्या आ रहा है, चैट स्लैश
और आगे कुछ उसकी आईडी भी आती है इस तरह की, तो वो एग्जिस्ट नहीं करती यहाँ पे, तो लिहाजा वो इधर आके हिट होता है और इधर आके हिट होने से वो नेविगेट कर देता है उसको स्लैश के ऊपर। तो लिहाजा मैं क्या करूँगा यहाँ पे लगा के ऐसे करके उसको मैं बोलूँगा कि यूज़र आईडी ऐसे मुझे एक यहाँ मिल रही होगी, ठीक है। अब होपफुली उसको सही काम करना चाहिए। चलो आ जाओ, रिफ्रेश कर लेते हैं और अब ट्राई करते हैं, ठीक है जी। मैं मैसेज का बटन दबाता हूँ तो अब मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पर ये इस तरह आना शुरू हो गई है, ठीक है। अगेन मैं बता रहा हूँ, असूलन होना ये चाहिए था कि मैं एक किसी पेज पे जाता, वहाँ पे मुझे तमाम यूज़र की एक लिस्ट दिख रही होती, वो यूज़र जिनसे मेरी बात हो चुकी है, और उस पर क्लिक करता तो ये खुलना चाहिए था, लेकिन वो मैंने कल मिस्टेक की, मैंने डायरेक्ट यूआई किसकी चैट की बना दी, ठीक है। अच्छा अब देखो, चैट पे डायरेक्ट क्लिक करने से नहीं जाता क्योंकि वो ख़त्म हो गया है, अब वो साथ में आईडी होगी तो जाएगा, अदरवाइज़ नहीं जाएगा। सही है, वेल इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। अच्छा वेल, अब मैंने यहाँ से मैसेज प्रेस करके मैं यहाँ पर आ गया। अच्छा ये मैं किस यूज़र से बात कर रहा हूँ बाय द वे, अच्छा इसमें मैं ना एक वो भी लॉजिक लगा देता हूँ, आई एम नॉट श्योर कि मैं क्या अपने आप से बात कर रहा हूँ यहाँ पे। मेरी ईमेल इस वक्त क्या है जो यहाँ पे दिख रही है, abc@abc.com है मेरी ईमेल, जो कि मैं लॉगिन हूँ इस वक्त, ठीक है। abc@abc.com ये मेरी ईमेल है। अच्छा मैं बात किससे कर रहा हूँ, faizan@localhost.com से बात कर रहा हूँ, सही है। तो चलो ठीक है, ये faizan@localhost.com से मेरी क्या हो गई, बात हो गई। इस स्क्रीन पे जो मैसेजेस अभी दिख रहे हैं ये सारे के सारे हार्ड कोडेड मैसेजेस हैं, इसमें से कोई भी रियल मैसेज नहीं है। अब मुझे क्या करना है, ये जो ऊपर नेविगेशन बार में मुझे ये मिला हुआ है इसको मुझे गेट करना है। कैसे गेट करता हूँ इसको, मैं यूज पैराम्स करके गेट करता हूँ, यस, ठीक है। तो चैट वाली स्क्रीन पे आके मैं अगेन यहाँ से क्या कर लूँगा, क्या गेट कर लूँगा यहाँ पे, इम्पोर्ट फ्रॉम रिएक्ट, क्या हो गया इसको, फ्रॉम की स्पेलिंग गलत लिखी हुई थी मैंने, रिएक्ट डैश फ्रंट एंड, ओ ये मैं बैक एंड पे कर रहा हूँ, ओके माई बैड, ये फ्रंट एंड पे होगा, सही है, फ्रंट एंड पे आ जाते हैं, सही है। चैट की स्क्रीन पे आ गया मैं, ये मैं आ गया फ्रंट एंड के ऊपर। मैं वही कह रहा हूँ, सजेशन अजीब सी क्यों आ रही है। अच्छा इस पे मुझे क्या करना होता है यार, सॉरी, यूज़ पैराम्स। अच्छा यूज़ पैराम्स को मैं यहाँ पे इनिशियलाइज करवा लूँगा, कॉन्स्ट पैराम्स इक्वल्स टू यूज़ पैराम्स, और ये हो गया, ठीक है। यूज़ पैराम्स डॉट करके अब मुझे वो मिल जाना चाहिए यूज़र आईडी, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करवा लेता हूँ, कॉन्सोल डॉट लॉग पे मैं ये पैराम्स को पूरा का पूरा कॉन्सोल करवा लेता हूँ कि इसमें मुझे जो भी मिलता है ना मुझे पता लग जाए क्या क्या मिल रहा है मुझे, ठीक है। दोबारा उसको मैं अगेन क्या करता हूँ, यहाँ से होम पे जाता हूँ, और होम पे जाकर दोबारा जैसे ही मैं उस पेज पे आता हूँ तो मुझे वो मिल जाना चाहिए। मैसेज का बटन मैंने दबाया तो देखो यूज़र पैराम्स में ना मुझे यूज़र आईडी यहाँ पे इस तरह मिलना शुरू हो गई है, ठीक है। तो अब हमेशा मुझे उस पैराम्स के अंदर ना वो यूज़र आईडी मिलेगी। अच्छा मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे इस यूआरएल को चेंज कर देता हूँ, मैं कोई दूसरी आईडी लगा देता हूँ, ये मैं दूसरी आईडी लगा देता हूँ, तो मुझे ये वाली आईडियाँ मिल जाएगी, ठीक है। तो हर हाल में मुझे इस पैराम्स के अंदर ये आईडी मिलेगी, जो भी यूआरएल में लिखा हुआ है वो मुझे मिलेगी, सही है। अदरवाइज ये पेज ओपन ही नहीं होगा, अगर यूआरएल में वो आईडी मौजूद नहीं है पेज ही ओपन नहीं होगा। अच्छा अब अगला काम मैंने क्या करना है, मैसेज सेंड कराना है ना, मेरी आईडी मुझे पता है, जिस बंदे को मैसेज करना चाह रहा हूँ उसकी आईडी भी पता है मुझे। अब फॉर्म पे जाके मुझे जस्ट वो मैसेज सेंड करवा देना, आ जाओ अब सेंड करा लेते हैं मैसेज, ठीक है। ये सेंड मैसेज हैंडलर मैंने कल ही बना लिया था, तो इस पे मैंने क्या करना है, एग्जियोस से एपीआई हिट करनी है। एपीआई में कैसे हिट करता था, होम पे चला जाता हूँ, जो पोस्ट करने का जो था वही उसको उठा लेता हूँ, है ना, ये सबमिट हैंडलर यही था ना, इसी से मैं, तो ये इज़ लोडिंग ट्रू वगैरह ये सारा कुछ ये इसमें हुआ हुआ है, तो ये पूरा का पूरा मैं ऐसे ही उठाता हूँ। मोर और लेस यही चीज़ें मुझे वहाँ पे भी करनी है जो मैंने यहाँ पे की हुई हैं, ठीक है। तो मैं चैट पे भी जाके क्या कर देता हूँ, यही वो पूरा ट्राई का पूरा फंक्शन इसको दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इज़ लोडिंग यहाँ पे मौजूद नहीं है, इज़ लोडिंग बनाना पड़ेगा मुझे ऑब्वियसली, क्योंकि मैसेज जब तक सेंड हो रहा है जब तक मुझे दिखाना तो है ना कि भाई कुछ हो रहा है पीछे,
तो ये इज लोडिंग जो है यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, इसको भी बना लेता हूँ। सही है जी, इस लोडिंग मैंने बना लिया जो कि बाई डिफॉल्ट क्या है, फॉल्स है। अच्छा कोई और एरर इसके अंदर, अवेट पे मैसेज में एरर आ रहा है, तो अवेट पे इसलिए आ रहा है क्योंकि ये फंक्शन एसिंक नहीं है। ठीक है, लोडर अभी फिलहाल दिखाया तो नहीं है मैंने, लेकिन चलो लोडर दिखाना तो मुझे पड़ेगा ना कभी ना कभी। अच्छा फॉर्म डेटा की रिक्वेस्ट तो नहीं भेजनी मुझे ऑब्वियसली इसमें, या भेजनी है? फॉर्म डेटा की रिक्वेस्ट मोस्ट प्रॉब्ली मुझे भेजनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी पास जो मैसेज है उसमें इमेज भी शामिल हो सकती है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको फॉर्म डेटा ही रहने देता हूँ, फॉर्म डेटा ही इसको मैं रहने देता हूँ। अच्छा यार, मैंने शुरू में एक गड़बड़ की थी, शुरू में मैंने गड़बड़ की थी, वो मैंने गड़बड़ ये की थी कि यार मैंने ना जो यूज़र का जो डेटा है डिकोडेड, वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट डिकोडेड कर दिया था उसको मैंने, जो कि मैंने मिस्टेक कर दी थी। मुझे रिक्वेस्ट डॉट करंट यूज़र या इस तरह कोई रिक्वेस्ट डॉट करके डायरेक्ट वो मैंने रखना था, वो मैंने बॉडी के अंदर रख दिया। तो अब होता क्या है कि जब भी मैं फॉर्म डेटा की रिक्वेस्ट करता हूँ तो वो उसको रिप्लेस मार देता है, तो लिहाजा मुझे एक एडिशनल काम करना पड़ गया था उसके चक्कर में। ठीक है, अब वो यहाँ पे भी होगा मसला वो वाला, ठीक है यहाँ पे भी वो मसला होगा ऑब्वियसली। वेल, तो देखते हैं कि इसका हम क्या कर सकते हैं। अच्छा तो मुझे क्या भेजना है, यहाँ पे दो चीज़ें भेजनी है ना। मैंने सर्वर पे क्या किया, इनपुट लिया हुआ है यहाँ से, चैट डॉट एम जी एस पे चलता हूँ मैं, यूज़र से मैंने क्या किया लिया हुआ है, दो चीज़ें ली हुई हैं, टू आईडी, सही है टू आईडी भेजना है मैंने, और मुझे भेजना है मैसेज, सही है, और तीसरा इमेज जो है वो मुझे फ़िलहाल नहीं भेजनी, लेकिन बाद में मुझे भेजनी पड़ सकती है, उसको मैं कॉमेंट कर देता हूँ फिलहाल। अच्छा भाई, अच्छा इसकी वो क्या बनेगी, स्लैश मैसेज, सही है, पोस्ट की एपीआई कॉल कर रहा हूँ मैं, बेस यूआरएल स्लैश एपीआई स्लैश वी वन स्लैश मैसेज। ठीक है, फॉर्म डेटा यहाँ से भेज रहा हूँ, कंटेंट टाइप मैंने बता दिया इसको, सही है। अच्छा टू आईडी के अंदर मैं जिसको मैसेज भेज रहा हूँ उसकी आईडी मुझे चाहिए ना, तो असल में मैं ये वाला भेज दूँगा, कहाँ गया वो जिसको मैंने कॉन्सोल कराया था, पैराम्स डॉट यूज़र आईडी था ना, यूजर आईडी, ठीक है ये मैंने भेज दिया। और टेक्स्ट मैसेज के अंदर मैं क्या भेजूंगा, जो भी मेरा रेफ है, रेफ मेरा कौन सा है, ये रहा मैसेज टेक्स्ट, ये है एक्चुअली मेरा, ठीक है मैसेज टेक्स्ट डॉट करंट डॉट वैल्यू, ये मैं भेज देता हूँ। यहाँ पे क्या एरर आ रहा है भाई, वैल्यू मे नॉट एग्जिस्टिंग टाइप स्ट्रिंग, डू यू मीन वैल्यू ऑफ, वो ये वैल्यू और वैल्यू ऑफ में क्या डिफरेंस है, इसको जल्दी से गूगल कर लेते हैं, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो मैंने मिस कर दी, वैल्यू और वैल्यू ऑफ में क्या डिफरेंस है यार, कह रहे हैं कि एज रॉबर्टो एक्सप्लेन दे इन देयर कॉमेंट द प्रॉब्लम विद इनपुट ऑफ द वर्ल्ड कैन बी आइदर एन ऑब्जेक्ट, अच्छा एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और जस्ट प्लेन टेक्स्ट, बिकॉज हाउ यू डिफाइन द इनपुट पैराम्स टाइप, सही है। वैल्यू ऑफ को मैं चेक कर लेता हूँ ना जल्दी से, वैल्यू ऑफ का इन्होंने जिक्र ही नहीं किया कहीं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में। वेल, हमें तो अभी पता है कि यार प्लेन स्ट्रिंग है,
तो अभी इसको हम इस तरह छोड़ देते हैं, ठीक है? अभी फिलहाल टेंशन की कोई बात नहीं है। ये क्या हो गया, इसको नॉट डिफाइन? नॉट डिफाइन क्या चीज़ है भाई? अच्छा, ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि उसको ऊपर लाइब्रेरी लेवल पे मिल नहीं रही है, सही है? ये वो चीज़ें हैं सारी जो इसमें मैंने इस्तेमाल किया, लेकिन ऊपर वो मौजूद नहीं है, सही है? एग्जियोस मौजूद नहीं है। सही है जी, एग्जियोस मैंने लगा दिया। और क्या नहीं मौजूद है? यूज़ स्टेट नहीं मौजूद है, बेस यूआरएल नहीं मौजूद है। ये सब मैं एक काम करता हूँ, वहाँ से उठा लेता हूँ ना यार, होम डॉट जे एस एक्स से मैंने ये लेकर आया हूँ ना, सारा ये उठा लेता हूँ यहाँ से मैं, ठीक है? एग्जियोस उठा लेता हूँ यहाँ से मैं। ठीक है, कोई चीज़ डबल है तो उसको उड़ा भी देते हैं। और क्या है भाई यहाँ पे? बेस यूआरएल है, बेस यूआरएल है। और यूज़ रेफ क्या कह रहे हैं? डबल डबल हो गया। हाँ, यूज़ रेफ डबल हो गया, चलो हटा दो यूज़ रेफ। अब सेट अलर्ट, सेट टॉगल, टॉगल टॉगल, सेट इमेज और ई। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं जिसकी मुझे यहाँ ज़रूरत नहीं है इस पेज के ऊपर, तो इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता क्या करूँगा, हटा दूँगा। अच्छा, तो सेंड मैसेज हैंडलर जो है उसमें क्या हो रहा है, उसमें एक फॉर्म डेटा तैयार होता है, ठीक है? एग्जियोस डॉट पोस्ट करके वो सेंड होता है, इस लोडिंग उसके बाद फॉल्स होती है। सेट अलर्ट की मुझे ज़रूरत नहीं है, टॉगल रिफ्रेश की ज़रूरत नहीं है, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, सेट इमेज की मुझे ज़रूरत नहीं है, सही है? ई डॉट रीसेट जो हो रहा है ये टारगेट, इसकी जगह मैंने यहाँ पे इवेंट पूरा लिखा हुआ है एक्चुअली, तो मैं इवेंट पूरा ऐसे कर देता हूँ, ठीक है? इवेंट डॉट टारगेट डॉट रीसेट, जिससे क्या होगा, मेरा फॉर्म रीसेट हो जाएगा, मेरे फॉर्म में लिखा हुआ तमाम का तमाम डेटा क्या आएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब आओ चलो भाई बिस्मिल्ला करते हैं, इसको हाई लिख के पहला मैसेज एंटर करते हैं, ठीक है? पोस्ट पे ये 404 आ गया, ये क्या सीन है भाई, 404 क्यों आ गया? मैंने इसी नाम से तो बनाई है एपीआई, मेरी एपीआई चल के देख लेते हैं किस नाम से, स्लैश मैसेज के नाम से, और मैं किससे करता हूँ, मैं भी स्लैश मैसेज करता हूँ। अब इसको ओके, असल में चक्कर ये हुआ है, ये मैंने फाइल तो क्रिएट कर ली है चैट डॉट एम जे एस की, लेकिन इसको मेन सर्वर पर रजिस्टर थोड़ी किया है, यहाँ पे मैंने इसको रजिस्टर भी तो करना है। और इस चैट राउटर को यहाँ पे मुझे लगाना होगा, सही है? अब हुआ ये, अब इसको पता लगेगा कि ये है क्या भला। अरे ये क्या हो गया, लॉग आउट कैसे हो गया? ये मेरा सर्वर क्रैश हो गया ना एक्चुअली, इसलिए लॉग आउट हो गया। ये क्यों सर्वर क्रैश हो रहा है भाई? डुप्लीकेट ऐप, फायरबेस ऐप ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके। अच्छा, वो चक्कर हुआ ये है कि मैंने चैट डॉट एम जी एस में ना इनिशियलाइजेशन का कोड दोबारा चला दिया, इनिशियलाइज वाला, ये इनिशियलाइज वाला कोड दोबारा नहीं चलाना होता, वो एक दफ़ा इनिशियलाइज हो गया तो हो गया, ठीक है? तो चलो इसको हटा देते हैं हम। इस कोड की वैसे मुझे ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं फाइल अपलोड वगैरह करने के लिए मैंने लगाया था ना, तो इस कोड को मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्या मसला है? सही है, चल गई मेरी ऐप। जब फाइल अपलोड करेंगे तो फिर देख लेंगे क्या करना है। असल में करना ये होता है कि ये फायर बेस डॉट जे एस की ना एक अलहदा से फाइल बनानी होती है, और वहाँ से इनिशियलाइज करके एक्सपोर्ट कर देते हैं वंस, सब जगह उसको हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो इस वजह से ये एरर आ रहा है, ठीक है? अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये मुझे सही जगह लेके चला जाएगा, ठीक है जी? फैज़ान एट लोकल होस्ट डॉट कॉम को मैं मैसेज करने की कोशिश करता हूँ, और यहाँ पर आके मैं क्या लिखता हूँ, हाय और एंटर, ठीक है? अब ये 403 आ गया, क्यों 403 आ गया भाई? हेडर सेंट, ये क्या हो गया? ये कह रहा है कि हेडर सेंट हो चुका है पहले ही, यानी इसका मतलब क्या है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड दो दफा कॉल हो रहा है। अच्छा, दो दफा कॉल इसलिए हो रहा है कि यहां पे ये सेंड करने के बाद मैंने रिटर्न कॉल नहीं किया, रिटर्न कॉल होगा यहाँ पे, ठीक है? रिटर्न कॉल होगा, चलो आओ दोबारा ट्राई करते हैं। अब ये क्या सीन है यार,
मैं अपने नेटवर्क कॉल में जाके देखता हूँ कि आया कि मेरे पास सही नेटवर्क कॉल लग रही है कि क्या हो रहा है। सही है, ये नेटवर्क कॉल मेरी ये लग रही है। इसका मैं देख लेता हूँ कि यार क्या क्या भेज रहा हूँ मैं यहाँ से। टू आईडी सही भेज रहा हूँ, ये सही भेज रहा हूँ। फिर अब क्या मसला है, सर्वर पे बॉडी को ज़रा कंसोल करा लेते हैं कि बॉडी में मुझे सर्वर पे मिल क्या रहा है आखिर। ठीक है, क्योंकि 403 उसी सूरत में आता है जब रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में मुझे कुछ नहीं मिलता है। सही है, उसी सूरत में आता है। चलो अब दोबारा से इसको हाई बोलते हैं और सर्वर पे मैं चेक करता हूँ कि मुझे बॉडी में क्या मिलता है। अच्छा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा, खाली मिल रही है। अच्छा हाँ, बिल्कुल खाली मिलेगी ना, क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे मल्टर तो लगाया ही नहीं है। ठीक है, मल्टर से डिकोड होती है ना फॉर्म डेटा वाली बॉडी, वो तो मैंने लगाया ही नहीं है। अच्छा, तो वो मल्टर को कैसे लगाता था मैं उसमें, आओ ज़रा वहाँ से छापते हैं जल्दी से। मल्टर को मैं वहाँ पे लगाता था, ये ऊपर मैंने पूरी कॉन्फ़िगरेशन बनाई हुई थी इसकी, ये है मल्टर की पूरी कॉन्फ़िगरेशन ना जो मैं करता था, ऐसे ही है ना। अच्छा, मल्टर जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया था वो देखो किस तरह से किया था, गौर से देखो इसको, ये है ना वो मल्टर वाली पोस्ट, अपलोड डॉट एनी यहाँ पे किया था। इसका मतलब है कि सिर्फ इस मिडल वेयर पर इफेक्ट करता था कि मल्टर, बाकी पूरी ऐप में कहीं पर भी मल्टर इफेक्ट नहीं करता था। ठीक है, बाकी पूरी ऐप में भी कहीं पे मल्टर इफेक्ट नहीं करता था। ठीक है, और हमने ऐसा ही डिसाइड किया था कि जिन मिडलवेयर में चाहिए होगा उन्हीं में लगाएंगे, बाकियों में नहीं लगाएंगे हम। ठीक है, तो मैं यही करूँगा कि ऐसे अपलोड डॉट एनी करके ना मैं इसको उस पर भी लगाऊंगा। अच्छा, लिहाजा मैं इसी तरह की एक मल्टर की कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पर भी करूँगा, लेकिन वहाँ पर क्योंकि मेरे पास फाइल नहीं है तो मुझे ये वाली कॉन्फ़िगरेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। इतना भी लिख दूंगा तो चल जाएगा, इतना भी सिर्फ लिख दूंगा तो चल जाएगा। तो लिहाजा आओ अब वहाँ पे करके देखते हैं। मल्टर को मैंने यहाँ से कॉपी किया, सही है, पोस्ट डॉट एम जे एस में से, और चैट में गया, मैंने मल्टर को यहाँ पे इम्पोर्ट कर लिया। ठीक है, इम्पोर्ट वाला काम हो गया, इम्पोर्ट हुआ था। अच्छा चलो, इम्पोर्ट डबल हो गया, हटा हुआ इम्पोर्ट को। अच्छा, अगला काम क्या करना है, मैंने इतना काम सिर्फ कर देना है, दैट्स इट। यहाँ पे आके ना इतना काम कर देना है, और इसमें ये पैरामीटर कुछ भी देने की ज़रूरत नीचे हुआ है। चलो ये भी अच्छा है, गुड है। अच्छा, ये वाला काम लेकिन मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, सही है, एम यू एल रख दो इसका नाम। ठीक है, या मल्टी पार्सर रख दो इसका नाम, सही है, मल्टी पार्सर। अच्छा, अब मल्टर में मुझे ये देने की ज़रूरत नहीं है, सही है, देख लेते हैं मल्टर पे हाथ रख के। ठीक है, मल्टर के अंदर जो भी ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शनल है, वो ना दूँ तो भी चल जाएगा। वो मैं इसलिए देता था कि फाइल होती थी, यहाँ पे सेव कर दो, वहाँ पे सेव कर दो, ये इसलिए देता था मैं। ठीक है, तो मल्टर मैंने यहाँ पे लगा दिया। अच्छा, क्योंकि अब मैं मल्टर में कोई पैरामीटर नहीं दे रहा हूँ तो इसको अलग से वेरिएबल बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, ये मल्टर को डायरेक्ट ही यहाँ पे अगर मैं ऐसे लगा दूँ, हाँ मल्टर, और ऐसे डायरेक्ट ये लगा दूँ तो भी चल जाएगा, सही है। तो अब इसको आसान तरीके से लगाया हमने, जस्ट इम्पोर्ट किया। अच्छा, ये इम्पोर्ट करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन होगी ज़रूरत जब मैं फाइल करूँगा, जब होगी मुझे ज़रूरत, सही है। अब मुझे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर ना वो डेटा मिलना चाहिए जो कि मुझे क्या मिल रहा था पहले सिर्फ ये डिकोडेड मिलता था और कुछ भी नहीं मिलता था, सही है। अबे ये ब्रेक क्यों हो रही है मेरी ऐप में ब्रेक क्या हो गया, क्या थ्रो न्यू एरर route.post require callback function but got a object. अच्छा, वो कह रहे हैं यहाँ पे callback function चाहिए होता है मुझे, मैंने क्या mistake कर दी। चलो ऐसे मल्टी पार्सर करके अगर मैं दे दूँ इसको तो फिर नहीं मसला करेगा, ये फिर भी करेगा, तो मैं मल्टर को दूंगा कैसे फिर। ओ अभी मुझे याद आया ना, वो तो मल्टर डॉट करके मुझे ऐसे एनी लगाना होता है ना यार, गलत लगा रहा हूँ ना मैं, सिंटैक्स गलत लिख रहा हूँ मैं, जब ही तो
तो मैं यहाँ पे ऐसे यूँ लिखूँगा मल्टर, सही है, ऐसे, और ऐसे डॉट डैनी उसके बाद अलग से लगाऊंगा, ये मैं मिस्टेक कर रहा था, ठीक है, अलग से यहाँ बनाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो डॉट एनी लगाना ज़रूरी है। अच्छा, एनी का और यूज़ का और नन का ऐसे करके तीन था ना मेरे पास, तीन पैरामीटर थे, तो यहाँ पे एक्चुअली मैं नन लगाऊंगा, क्योंकि मेरे पास फाइल कोई भी मौजूद नहीं है, मेरे पास फाइल कोई भी मौजूद नहीं है, मेरे पास जस्ट उसके अंदर टेक्स्ट डेटा है, ठीक है। चलो, अब हाई लिखा मैंने, सही है, अब की बार मुझे बॉडी के अंदर डेटा मिल गया है, लेकिन मसला क्या हुआ, वो डिकोडेड साला फिर गायब हो गया, ठीक है, ये मसला पड़ गया। अच्छा, अब की बार मैं इसका पक्का हल करता हूँ, अब की बार मैं इसका पक्का सॉल्यूशन ये करता हूँ कि सर्वर डॉट एन जी एस में ना, ये जहाँ पे मैंने लगाया हुआ ये मिडलवेयर, यहाँ पे मैं जो ये करवाता था रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट डिकोडेड, मैं इसको ना रिक्वेस्ट डॉट डिकोडेड कर देता हूँ, लेकिन अगर मैं रिक्वेस्ट डॉट डिकोडेड करता हूँ तो मेरी आधी एप्लीकेशन ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि सारी एप्लीकेशन में बॉडी डॉट डिकोडेड करके इस्तेमाल हुआ हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको इसमें भी रखूँगा और सिर्फ डिकोडेड में भी रख दूंगा, दोनों में रख दूंगा मैं, सही है। हालांकि ये गलत प्रैक्टिस है, एक ही में रखना चाहिए मुझे, लेकिन अभी तो मैं कर चुका हूँ ना, भंड मार चुका हूँ मैं, तो मैं इसमें भी रखूँगा इसको, इसमें भी रखूँगा, और अब की बार अब जहाँ पे भी मैं इसको यूज़ करूँगा मैं ये वाला, बल्कि इसका नाम डिकोडेड नहीं होना चाहिए यार, इसका नाम होना चाहिए करंट यूज़र, सही है, रिक्वेस्ट डॉट करंट यूज़र, ये नाम रखता हूँ मैं इसका, मच अप्रोप्रिएट। पहले मैंने वो डिकोडेड नाम रख दिया था JWT समझाने के एतबार से ना, कि वो JWT का जी, क्योंकि वो पेलोड है और वो डिकोड हुआ है, तो इस नस्बत से मैंने नाम रख दिया था, हालांकि इसका जो अप्रोप्रिएट नाम है वो करंट यूज़र होना चाहिए। तो अब मैं इसको इस वाले को इस्तेमाल करूँगा, ठीक है, तो रिक्वेस्ट डॉट करंट यूज़र करके करूँगा तो मुझे वो मिल रहा होगा। तो मैं अब किस पे हूँ, वो उस पे मैं, उसकी मुझे नीड नहीं है, मैं बोलूँगा रिक्वेस्ट डॉट करंट यूज़र, सही है। अब आके इसको क्या करता हूँ, मैं दोबारा हिट करता हूँ और दोबारा हिट करके देखता हूँ कि मुझे ये दोनों चीज़ें मिलना शुरू हो गई हैं कि नहीं हो गई। हाई मैंने हिट किया तो मुझे सर्वर पे जब मैं आता हूँ तो अब मुझे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी भी मिल रहा है और रिक्वेस्ट डॉट करंट यूज़र में मुझे वही सारा कुछ मिल रहा है जो डिकोडेड में मिलता था। तो ये दोनों चीज़ें मुझे मिलना शुरू हो गई हैं। अब मैं अपनी API को ज़रा सही कर लेता हूँ, मेरी API अभी भी ब्रेक हो रही है ना। अच्छा, डिकोडेड जहाँ जहाँ था ना वहाँ पे अब ये क्या होगा, रिक्वेस्ट डॉट करंट यूज़र होगा, सही है। तो अब मेरी API जो है होपफुली ब्रेक नहीं होगी। ये तो गेट की API है ना, पोस्ट वाली कहाँ गई, जीरा डिकोडेड की जगह मैं करंट यूज़र लिखूँगा, सही है, और तो कहीं नहीं मैंने लिखा हुआ डिकोडेड। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टू, सही है, होपफुली चला के देखते हैं अब क्या रिपोर्ट है। अच्छा, हाई लिखता हूँ अब, अगेन मैंने हाई लिखा, सेंड हो गया और फॉर्म मेरा रीसेट हो गया। अच्छा, यहाँ कुछ नहीं होगा अभी, क्योंकि मैंने गेट तो नहीं करवाया ना अभी तो जस्ट मैंने सेंड किया। अच्छा, ये भाई इंसर्ट बिल्कुल सही यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अच्छा, कुछ एक दो मैसेज मैं और कर देता हूँ इसको, जो भी बंदा है ये, सही है, ये देखो मैसेज मैं करता जा रहा हूँ इस बंदे को। नहीं, इसको करेंगे हम अभी, जो एक दो यूज़र बना के ना उसको साइड बाय साइड दो विंडो में ओपन कर लेंगे हम, सही है, और देख लेंगे उसके बाद मैसेज आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा, हमारे पास टाइम थोड़ा सा ओवर हो गया, मसला तो नहीं है। अच्छा, तो एक काम करते हैं यार, हम मैसेज सेंड वाला काम तो हमारा हो गया, अब मैसेज को हम जस्ट गेट करवा लेते हैं, गेट करके प्रिंट करवा लेते हैं अभी, ठीक है, और फिर बाकी का काम जो है ना इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। मैं chat.mjs के ऊपर जो मैंने एक API बनाई हुई है यहाँ पे गेट करने की, मैं जस्ट उसको कॉल करता हूँ और मैसेज जो मेरे पास डमी आ रहा है ना उसकी जगह रियल मैसेज मैं कम से कम ले आता हूँ स्क्रीन पर, ठीक है। तो आ जाओ भाई, हाँ वो उसमें लिखा हुआ है ना, क्लास कंडीशनल लगा दूंगा मैं, अभी करते हैं, वही तो करना है असल काम जो है। अच्छा, मैसेज डॉट गेट, अब गेट की API मैंने कॉल करनी है, आ जाओ जल्दी से कॉल कर लेते हैं। वो कौन से मैसेज छापूंगा मैं, ये जो पोस्ट के अंदर मैं करता था ना, ये होम डॉट MJS है ना, गेट करने की API लगी हुई है ना इसमें, भाई यहाँ छाप लूँगा मैं टक्कर के, गेट ऑल पोस्ट है ना ये, गेट ऑल पोस्ट का जो फंक्शन है ये मैं क्या करूँगा, ऐसे यूँ उठा लूँगा और ला के चैट में इसको यूँ ही पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। मैं जब कोड लिखता हूँ ऐसा लगता है सारा कोड कॉपी पेस्ट है,
खुद लिखने वाला तो नहीं होता फिर ऐसे ही है ना। तो गेट ऑल पोस्ट को मैं क्या कर दूंगा, गेट ऑल मैसेजेस या गेट चैट इसका नाम रख देता हूँ मैं, ज़्यादा सही रहेगा, गेट चैट। ठीक है, इज लोडिंग ट्रू, कहीं ना कहीं मुझे लोडिंग दिखानी चाहिए तो मैं इस लोडिंग को ट्रू रख रहा हूँ इसके इस वक्त, सही है। अच्छा, इसका और इसका लोडर बाय द वे अलग अलग होगा, सेंड मैसेज का लोडर सेंड के बटन पे चलेगा, इसका लोडर पूरी स्क्रीन पे चलेगा, तो लोडर तो एक्चुअली अलग अलग होगा, लेकिन अभी फिलहाल हम एक ही रखते हैं, उसको बाद में चेंज कर लेंगे। तो इस लोडिंग को ट्रू किया, एक रिक्वेस्ट मारी एक्सियोस डॉट गेट बेस यू आर एल स्लैश ए पी आई स्लैश वी वन स्लैश मैसेजेस, ऐसा लगा हुआ था इसमें स्लैश, और उस बंदे की आई डी क्या है, उस बंदे की आई डी पैराम्स डॉट यूजर आईडी, ये मैंने मैसेज उसकी आईपी गेट कर ली विद क्रेडेंशियल ट्रू यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन मुझे उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने इंस्पेक्टर उसका सेट किया हुआ है, एक्सियोस का वो क्या इंटरसेप्टर सेट किया हुआ है मैंने, रिस्पांस में जो भी डेटा आएगा वो मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। तो लिहाजा मैंने अभी जो बंदे को मैसेजेस किए हैं वो अब मैं वापस गेट कर रहा हूँ, मुझे कॉन्सोल पर ये मैसेजेस दिख जाने चाहिए। इस लोडिंग को फॉल्स किया, सेट ऑल पोस्ट की जगह अब क्या होगा मेरे पास, सेट ऑल मैसेजेस होगा ना, सेट चैट, चलो ये कर लेते हैं, सही है सेट चैट, ऊपर इस नाम से एक बना लेता हूँ मैं, सेट चैट और यहाँ पे जस्ट चैट, सही है चैट और सेट चैट, साउंड्स गुड। अच्छा, रिस्पॉन्स डॉट डेटा को मैंने जिस तरह से सेट करवाया है, आई एम नॉट श्योर कि ये इस तरह से सेट होगा, बट अभी फिलहाल जस्ट मैं कॉन्सोल पर तो देखूँ पहले आ रहा क्या है मेरे पास, मुझे कॉन्सोल पे नज़र आना शुरू हो जाए ना, ताकि मेरे दिल को सुकून हो जाए कि हाँ कुछ आना शुरू हो गया अभी। ठीक है, और यूज़ इफेक्ट के अंदर ये गेट चैट को मैं क्या कर लूँगा, कॉल कर लूँगा ऐसे। ठीक है, और रिटर्न में क्लीनअप फिलहाल कुछ भी नहीं है, तो रिटर्न में कुछ भी नहीं है। ठीक है, टॉगल रिफ्रेश के नाम का मेरे पास इस वक्त यूज़ स्टेट है नहीं, टॉगल रिफ्रेश का नहीं है, चलो टॉगल रिफ्रेश भी ऐसे छाप लेते हैं जल्दी से। ठीक है, टॉगल रिफ्रेश भी, टॉगल रिफ्रेश क्या होता है कि जब भी मैं कोई एक्टिविटी ऐसी परफॉर्म करूँगा तो मुझे एक्चुअली क्या करना पड़ता है, मैं उसको दोबारा गेट कराना होता है मैसेजेस को सारे को, तो इसलिए मैंने टॉगल रिफ्रेश भी यहाँ पे बना लिया है ना, ताकि जब भी मैं एक नया मैसेज सेंड करूँगा मैं टॉगल रिफ्रेश मारूँगा तो वो सारे मैसेज दोबारा गेट हो जाएंगे। ठीक है, बावजूद इसके कि अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, मुझे सिर्फ लास्ट वाला मैसेज गेट करना चाहिए। ठीक है, और होपफुली वो सॉकेट से रियल टाइम में खुद ही आ जाना चाहिए, लेकिन वो अभी हमने सेट नहीं किया तो टॉगल रिफ्रेश अभी रख रहा हूँ, इन फ्यूचर ये टॉगल रिफ्रेश मैं हटा दूंगा, इसकी मुझे नीड यहाँ पर नहीं होगी, ना ही मुझे वहाँ पर थी। ठीक है, वहाँ पे जो चलो कर दिया हमने, लेकिन अब इसको हम सही कर लेंगे होपफुली। आ जाते हैं जी अब हम, तो जैसे ही इस पेज को मैं रिफ्रेश करूँगा अब, तो मेरे पास क्या होगा, कॉन्सोल पे, कॉन्सोल पे मुझे ना ये मैसेजेस दिख गए। ठीक है, अच्छा ये क्रिएटेड ऑन आ गया, फ्रॉम ईमेल आ गया, ठीक है फ्रॉम आईडी आ गया, मेरी आईडी यहाँ पर आ रही है और टू आईडी भी आ गया, टू आईडी में ये D3 है लास्ट में। ठीक है, तो D3 है, इसको सही भेजा, सही जगह पे गया ये। अच्छा लेकिन ये क्या हुआ यार, इसमें फ्रॉम नेम नहीं आया, फ्रॉम नेम क्यों नहीं आया इसमें, फ्रॉम चलो इमेज URL तो है ही नल, लेकिन नेम तो यहाँ आना चाहिए था, नेम क्यों नहीं आया यार, API पे ज़रा देख लेते हैं चल के हम, क्योंकि वो तो मैंने उससे उठाया है करंट यूज़र से, चैट डॉट MJS में जाके देखते हैं। यस, हाँ वो तो नेम थोड़ी है, वो तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम था, नेम तो था ही नहीं, फर्स्ट नेम और साथ में क्या था, लास्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम था ना, आ जाओ भाई, अब ज़रा इसको रिफ्रेश करते हैं एक दफ़ा और एक नया मैसेज भेज के देखते हैं। मैंने कहा हाय एंटर, सही है मैसेज सेंड। ओहो यार, जब भी कोई मैसेज सेंड हो तो मुझे टॉगल रिफ्रेश दोबारा हिट कराना है ना, है ना, ताकि वो सारे मैसेज दोबारा गेट करे। ये गेट चैट जो है ना, ये मुझे दोबारा चलाना है, कब चलाना है, टॉगल रिफ्रेश पे चलाना है। तो जब भी सेंड मैसेज हो ना, तो सेंड मैसेज के लास्ट में मैं क्या करूँगा यहाँ पर, सेट टॉगल रिफ्रेश नॉट टॉगल रिफ्रेश, है ना, ताकि इस तरह, ताकि जब भी मैं एक नया मैसेज सेंड करूँ यहाँ पे,
सही है, जब भी मैं उसको बोलूँ ऐसे हाय और एंटर करूँ तो तमाम के तमाम मैसेजेस दोबारा गेट हों फिलहाल, तो सबसे लास्ट वाला मैसेज जो है उसमें मेरे पास नाम आना चाहिए ना। अच्छा वो तो मैं रिवर्स करके मंगवा रहा हूँ, सही है, तो जो सबसे लेटेस्ट मैसेज है वो सबसे टॉप पे आ रहा है एक्चुअली ना, तो मैं रिवर्स करके मंगवा रहा हूँ, तो अब मेरे पास ये इंजमाम मलिक नाम सही लिखा हुआ आना शुरू हो गया, ईमेल और नाम हर चीज़ सही आ रही है, सही है, सिर्फ इमेज इसमें नल है क्योंकि वो मैंने अभी तक रखवाई नहीं है इसके अंदर। अच्छा अब बारी है कि मैं इसको स्क्रीन पर रेंडर करवाऊँ, ठीक है, स्क्रीन पर रेंडर करवाने के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा, ये सारे मैसेजेस इस वक्त किसके हैं, ये मेरे मैसेजेस हैं, ये सारे मैसेजेस इस वक्त किसके हैं, ये मेरे मैसेज हैं, तो मेरे मैसेज की पहचान क्या है कि इसके अंदर मैं लॉगिन हूँ ना इस वक्त, और मेरा जो अंडरस्कोर आईडी है वो कहाँ मौजूद है, फ्रंट एंड पे कहाँ मौजूद है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई में, कॉन्टेक्स्ट एपीआई में मैंने स्टोर किया हुआ है ना लॉगिन का जो भी करंट यूज़र है, तो जिस मैसेज में मेरी आईडी होगी मैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई वाली से मैच कराऊंगा, तो वो कौन सी है, वो मेरे मैसेज हैं, और जो वो मेरे वाले से मैच नहीं करती है वो सामने वाले के मैसेज हैं। तो इसको मैं क्या करूँगा, अब स्क्रीन पर रेंडर करवाते वक्त आओ यहाँ पे, जहाँ पे मैंने करवाया था ना ये नीचे चैट, ठीक है, ये जो इतना पार्ट है ये रिपीटेटिव पार्ट है ना, रिपीट हो गई है, तो इतने पार्ट को मैंने किस में लिखना होता है, मैप में लिखना होगा मुझे, ठीक है, तो मैं कहूँगा कि चैट डॉट मैप, सही है, ईच मैसेज, सही है, कॉमा इंडेक्स, ऐसे कर दिया मैंने। अच्छा और अब मैं यहाँ पे ये जो पार्ट है ना पूरा का पूरा ये इसके अंदर लिखूँगा, अब मैं कर्ली ब्रेसेस लगा तो दिया मैंने, रिटर्न नहीं लिखा ना मैंने, गोल ब्रैकेट लगा दी, अब क्या मसला है, इसको क्या है, चैट डॉट मैप सही तो लगाया मैंने, लगा तो दिया मैंने, हाँ ना ये ना डायरेक्ट रिटर्न तो कर रहा हूँ मैं, ये एरर किस खुशी में दे रहा है, ओ यस मैंने यहाँ पे गड़बड़ की है ना, मैंने यहाँ पे गड़बड़ की है मैंने, ये तो ये एक्चुअली ऐसे होगा ना, ये ऐसे भी नहीं होगा एक्चुअली, ये इसके अंदर एक मैंने असल में यहाँ पे जो है ना एक वो लगाना होगा मुझे, यहाँ पे एक ब्रैकेट और लगेगी, अब सही हुआ है, तो असल में मैप मैप के अंदर फंक्शन पास कर रहा हूँ ना मैं, उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ है, अब सेट हो गया ये। अच्छा इमेज इसमें नहीं है फिलहाल, इमेज की ज़रूरत नहीं है, इस टेक्स्ट की जगह पर मैं क्या करूँगा, ईच मैसेज डॉट, यहाँ पर क्या आता है, ईच मैसेज डॉट मैसेज टेक्स्ट, ये मैंने यहाँ डिस्प्ले कराना है, सही है, ईच मैसेज डॉट मैसेज टेक्स्ट, ठीक है, ये मैसेज सारे मेरे डिस्प्ले हो गए, ये मैसेज क्या हो गए, सारे मेरे डिस्प्ले हो गए। अच्छा अभी मैंने ये माई जो है ये हाथ से लिखा हुआ है इस पर, लेकिन ये माई कैसे लिखना है मुझे, कंडीशनल मुझे चाहिए, कैसे लिखूंगा मैं कंडीशनल, यहाँ पे टर्नरी लगाऊंगा ऑब्वियसली मैं। अच्छा टर्नरी कैसे लगाऊंगा, इसको मैंने किया ये, ठीक है ऐसे कर दिया मैंने, और इसको मैंने किया बैकटिक इसके अंदर, सही है बैकटिक हो गया। अब बैकटिक में इतना पार्ट में टेम्पलेट बना सकता हूँ, अब यहाँ पे मैं, यहाँ पे मुझे या तो माई चाहिए या तो मुझे चाहिए योर, है ना, अब मैं ये माई और योर कैसे लाऊंगा, टर्नरी लगाऊंगा यहाँ पे मैं, एक टर्नरी में कोई कंडीशन लिखूंगा मैं तो ये माई आ जाए, और कोई दूसरी कंडीशन लिखूँ तो योर आ जाए। अब ये कंडीशन क्या होगी कि ईच मैसेज डॉट, ईच मैसेज में डॉट है फ्रॉम आईडी, कि किसकी तरफ से ये मैसेज भेजा गया है, किसकी तरफ से ये मैसेज भेजा गया है, तो फ्रॉम आईडी में अगर क्या है, अगर मेरी आईडी है, इस मैसेज डॉट फ्रॉम आईडी में अगर मेरी आईडी है इक्वल इक्वल्स, ठीक है इक्वल इक्वल्स, वो उसको वो क्या नाम से है मेरे पास, कॉन्टेक्स्ट एपीआई किस नाम से, स्टेट
डॉट स्टेट डॉट, अबे भाई वो स्टेट मेरे पास अभी यहाँ ऊपर इम्पोर्टेंट नहीं है एक्चुअली ना, इसलिए ये मस्ती कर रहा है. वेल स्टेट डॉट करके क्या था मेरे पास, यूज़र डॉट अंडर स्कोर आई डी इस तरह करके कुछ था. वेल देख लेते हैं ऊपर चल के कि क्या था. यूज़र आई डी था ऊपर चल के, ज़रा वो स्टेट तो पहले बना लें. चैट वाले में वो स्टेट बनी हुई थी ना मेरे पास, यहाँ से छाप लिया जाएगा. ओ सॉरी ये चैट होम स्क्रीन पर ये बनी हुई थी ना मेरे पास, कहाँ है वो स्टेट 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 नहीं है भाई, इस पर भी नहीं बनी. अबाउट में बनाई थी मैंने, किस में बनाई थी यार, लॉगिन के पेज पे मैंने शायद बनाई हुई थी, लॉगिन के पेज पे. हाँ ये रहा लॉगिन के पेज पे बनाई हुई है मैंने. तो मैं ये सारी चीज़ें कहाँ पे चाहिए मुझे, चैट में भी चाहिए मुझे अब ये सारी चीज़ें. सही है, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट उठा लिया मैंने और ऊपर ये मुझे यूज़ कॉन्टेक्स्ट भी चाहिए होगा. यूज़ कॉन्टेक्स्ट में कहाँ से उठाता हूँ, रिएक्ट है ना. सही है, और लास्ट मुझे ये इस तरह करके स्टेट मिल जाएगा, दैट्स इट. सही है, ये मिल गया मुझे स्टेट यहाँ पे ग्लोबल. अच्छा ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट का शायद वो चेंज होगा, चलो चेंज होगा तो खुद ही एरर दे देगा. ठीक है, तो ये मेरे पास ग्लोबल स्टेट यहाँ पे आ गया चैट की स्क्रीन पे, जो कि पहले नहीं था. ठीक है, अच्छा ग्लोबल स्टेट में चल के एक नज़र मार लेते हैं कि किस तरह से मैंने जो है उसको स्टोर करवाया है. कहाँ चला गया वो, ये रहा कॉन्टेक्स्ट की फोल्डर में. ठीक है, कॉन्टेक्स्ट डॉट जे एस एक्स यूज़र, और यूज़र के अंदर मैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल सेव करवाता हूँ और अंडरस्कोर आईडी नहीं करवाता. ये क्या बात हो गई यार, चलो देख लेते हैं देख लेते हैं. मैं क्या करूँगा सिंपली, मैं सिंपली ये करूँगा कि इस स्टेट को मैं कंसोल करा दूंगा, यहाँ पता लग जाएगा खुद ही क्या किया इसमें. सही है, स्टेट को मैं कंसोल करा दूंगा, पता लग जाएगा खुद ही. ये क्या हो गया इसको, चैट डॉट मैप नहीं चलाया मैंने. ये है ना चैट यूज स्टेट. अच्छा इसको तो बाई डिफॉल्ट वो रख दिया ना मैंने, इसलिए एरर दे रहा था. फॉल्स बाई डिफॉल्ट मैंने इसको फॉल्स रख दिया था, इसको बाई डिफॉल्ट एम्प्टी एरे होना चाहिए. वो होता गया जैसे ही पेज लोड होता है उस पर वो मैप चलाता है, तो फॉल्स पर डॉट मैप तो चल ही नहीं सकता. ऑन अदर हैंड एम्प्टी एरे पर डॉट मैप चलता है तो जीरो टाइम्स आइट्रेट करता है, लिहाजा कोई एरर नहीं आता. सही है, रिफ्रेश किया मैंने और मेरे पास ये स्टेट के अंदर यूज़र डॉट अंडर स्कोर आई डी मुझे मिल रहा है. सही है, तो स्टेट डॉट यूज़र डॉट अंडर स्कोर आई डी पता लग गया मुझे. कहाँ क्या कर रहा था मैं, वही भूल गया, मैं गुम हो गया मैं. हाँ ये रहा स्टेट डॉट यूज़र डॉट अंडर स्कोर आई डी. तो मैंने कहा कि यार कि अगर जो मैसेज अभी मैं, क्योंकि जब मैं आइट्रेट करूँगा मेरे पास 10 मैसेजेस मैंने भेजे हुए हैं, तो ये 10 मैसेजेस पे आइट्रेट करेगा और 10 दफ़ा इतने पार्ट को 10 दफ़ा प्रिंट करेगा. तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब चैट बलून तो चलो क्लासेस पे लगेगी हर मैसेज पे, लेकिन इस मैसेज पे माई या योर कब लगेगा, डिपेंडिंग ऑन कि मैसेज के अंदर जो फ्रॉम की आईडी है अगर वो इक्वल हो मेरी आईडी के, तो मेरी तरफ से भेजा गया मैसेज है वो, तो लिहाजा उस पे लगेगा माई, अदरवाइज योर्स. सही है, अदरवाइज योर्स. ठीक है, अच्छा तो माई मैसेज मैं इस तरफ रखवाता था. क्लास का नाम गलत दे दिया ना मैंने, क्लास का नाम मैंने गलत दिया हुआ. वो मैंने असल में क्या कर दिया है कि माई वाले को मैंने इधर कर दिया, योर वाले को उधर कर दिया. हाँ ये रहा, अबे नहीं यार माई पे ग्रीन कलर है, माई पे ग्रीन कलर है ना, माई तो इस तरफ होना चाहिए. वो कंडीशन मेरी समाओ मैच नहीं हो रही, कंडीशन मेरी समाओ क्या हो रही है, मैच नहीं हो रही. तो मैं क्या करता हूँ कि हर मैसेज के साथ ना ये मैसेज दोनों इस पूरे को क्लिक कर प्रिंट करवा देता हूँ, पता लग गया ना कि क्या आ रहा है मेरे पास. फ्रॉम आईडी क्या हो गया इसको, ये
क्या सीन है? ओ यस, फ्रॉम अंडरस्कोर आईडी था ना? ओ यस, देख लेते हैं मैसेज दोबारा गेट करके। ये है मेरे पास वो मैसेजेस जो सारे आते हैं ना, फ्रॉम अंडरस्कोर आईडी है, फ्रॉम अंडरस्कोर आईडी। नहीं तो यहाँ तो डिस्प्ले करे। ओ यस, आई छोटा है, अब सही डिस्प्ले हुआ है, अब वो मैच हो गया मेरी आईडी से। अच्छा, मुझे अभी लिहाजा ये डिस्प्ले कराने की ज़रूरत नहीं है, सही है। फ्रॉम अंडरस्कोर आईडी में छोटा छोटा डी था, तो ये मेरा मैसेज है। अब अगर कोई मैसेज ऐसा इसमें आता है, अच्छा ये ऊपर वाले जो सारे हैं इसको मैं उड़ा देता हूँ ना, ये इतने सारे जो डिव है ना नीचे, अब मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, तो मैंने डमी वैसे ही बना दिया था, ये मैंने डमी बनाया था, ठीक है। यही काम होगा एक्चुअली अब, लेकिन वो मैप के थ्रू हो रहा होगा, सही है। वो सारा मैंने उड़ा दिया, इतना सारा जो बनाया था मैंने। अब मेरे पास जो वन एंड ओनली है ना वो ये है, ठीक है। रिफ्रेश किया मैंने इसको और ऐसे कर दिया। अच्छा क्या होता है, अब मैं इसको कुछ मैसेज लिखता हूँ और यहाँ पे एंटर करता हूँ ऐसे, ये नीचे मैसेज आ जाते हैं। अच्छा, अब सामने से जो मैसेज भेजेगा ना बंदा, वो हम काम कराते हैं कल, काम कंप्लीट है। सामने से जो भेजेगा वो भी इसी तरह भेजेगा जैसे मैं भेज रहा हूँ, काम कंप्लीट है वो, लेकिन हम कल की क्लास में इसको ऑनवर्ड्स हम देखते हैं कि ये काम किस तरह से होगा। फिर होपफुली कल की क्लास में हमारी कोशिश होगी कि जो रियल टाइम जो सॉकेट वाला काम है ना वो भी इसमें कर लें, ताकि ये जो अभी मुझे टॉगल करना पड़ रहा है ना, ये ना देखो टॉगल में प्रॉब्लम क्या है, जब मैं मैसेज भेजता हूँ ना एंटर करता हूँ तो मैं तो टॉगल हिट कर लेता हूँ, मुझे तो पता है कि मैसेज नया ऐड हुआ, लेकिन सामने वाला कब मैसेज भेजेगा ये तो मुझे नहीं पता, तो मैं बार बार क्या टॉगल करता रहूँगा हर 4 सेकंड पे। तो सामने से जो आने वाला मैसेज है ना उसके लिए मुझे सॉकेट चाहिए होगा, दैट इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल ये वाला काम हम करते हैं आगे। चलो भैया, अल्लाह हाफिज़।